NTU UGC नेट पेपर वन की ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ 10 वीडियो के अंदर हम पेपर वन का कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, यानी कि पेपर वन के 10 यूनिट का सिलेबस सिर्फ 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए कि ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकें। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे पहले देखिए हम टेबल्स याद करेंगे। टेबल्स क्या है, जैसे 1/4 ये कितना है 25%। 25% कैसे है, जैसे 25% जो परसेंट होता है उसका मतलब होता है 1/100। तो मैं 25 के साथ परसेंटेज लिखूंगा तो 1/100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाता है 1/4। ऐसे 2/4 50% होता है, 3/4 75% होता है, 4/4 100% होता है। जब ये 4 इसमें ऐड हो जाता है फ्रेंड्स तो ये क्या बन जाता है 5/4। तो 5/4 का मतलब होता है कि यहाँ पर 25% था, यहाँ पर 125% होएगा। तो ऐसे 6/4 कितना होगा 150%, 7/4 कितना आएगा 175%, 8/4 कितना आएगा 200%। सपोज अगर ऐसे ही कोई वैल्यू ले, सपोज मैंने ले ली 15/4, तो मैं 15/4 करूँगा तो ये क्या होगा 4, देखिए 15 अंदर रखूँगा तो यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर 3 से चला जाएगा तो बचता कितना है 3। तो यहाँ पर जब 4 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, तो बचता हमारे पास 3 है। 3 का मतलब 75%। तो ये कितना होएगा, ये होएगा 375%। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे आप 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम जो जा सकता है वो 3 पे जा सकता है, 4 पे करेंगे तो 16 ज़्यादा एक्सीड कर जाता है 15 से, तो 3 पे जाएगा, ये जाएगा 12, तो बचा कितना 3। तो 3 बचने का मतलब होता है 75%, 2 बचने का मतलब होता है 50%, 1 बचेगा तो 25%, कोई भी नहीं बचेगा तो हमारा 100% होएगा। परसेंटेज में 100% का मतलब होता है 1, वो कैसे, जैसे 100% का मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 कट जाता है तो बचता कितना हमारा 1। तो फ्रैक्शन में जो 100% होता है जो वो उसकी वैल्यू होती है 1। तो ऐसे फ्रेंड्स जो टेबल, ये टेबल कहाँ पर हेल्पफुल होंगे वो मैं आपको बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको पता चल पाएगा। जैसे 1/5 इसका टेबल कैसे चलता है 20%, 2/5 का 40%, यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100%, 6 उसके बाद 6/5 होता है तो 120%, 7 का 140, 8 का जब भी नीचे 5 है तो 20 का टेबल चलता है, ठीक है जी। जैसे मान लो आपको आ जाए क्वेश्चन में 220% ऑफ 50 निकालना है, तो हमें पता है 220, देखिए जी कैसे बन रहा है, ये 11 का डबल हो रहा है 220%, तो एक सिफर हम काट रहे हैं वहाँ से, तो इसका देखना सीधे वैल्यू कैसे पता लगेगी, हमने जो ये जो डिजिट है दो इसको हम 11 हाफ कर देंगे, जीरो साथ में नहीं लगाएंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे। ऐसे परसेंटेज की हम सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज की हेल्प से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टेबल है जैसे 1/8 का, ये टेबल है 12.5, अगर मैं देखूँ तो ये 12.5 का टेबल है। 2/8 कितना होगा 25 हो गया, 25 में से 12.5 37.5, उसका 4/8 होएगा 50%, उसका 5/8 होएगा 62.5%, 6/8 75%, 7/8 ये कैसे चल रहा है, टेबल चल रहा है 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5, उसका 75% और 67.5 और 100%। जब ये 8 के बीच में 1 ऐड होता है तो ये बन जाता है 9/8। तो यहाँ पर 12 था तो उधर क्या हो जाएगा 112, अगर ये फर्दर 8 ऐड होएगा तो ये हो जाएगा 17/8। तो यहाँ 12% था तो यहाँ वहाँ पर क्या होगा 212.5। इट मीन्स चाहे 312.5 आए, 412.5 आए, 137.5 आ जाए तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि उसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में। जैसे मेरे को आ जाए कि सपोज वैल्यू है 137.5%, ठीक है जी। तो 137 मुझे इतना पता है, 37.5 कितना होता है 3/8, तो एक आगे है
तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है 37.5 होता है 3/8, ठीक है जी। अब 100 है तो यहाँ पर एक लग जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 8 × 1 = 8 और 3 = 11/8, ठीक है जी। अगर सपोज मेरे पास आ जाए 37/8, ठीक है जी, तो 8 का मैक्सिमम टेबल कहाँ पर जाएगा, 8 को 4 से करेंगे, 8 × 4 = 32, तो 8 × 4 = 32 हो जाएगा और बचता कितना है 5, ठीक है जी। 8 × 4 = 32, अब बचता कितना है 5, 5 बचने का मतलब क्या होता है 62.5%, इट मीन्स ये 462.5% है। तो सीधे सीधे हम फ्रेंड्स इस वैल्यू को पता लगा पाएंगे। जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत बारीकियों में इस चीज़ का पता चल पाएगा। उसका टेबल है 1/9, ये 1/9 का टेबल इजीली आप याद कर सकते हो, जैसे 1/9 होता है 1 है तो 11.11, 2/9 है तो 22.22, 3/9 है तो 33.33, 4/9 है तो 44.44, 5/9 है तो 55.55। ये देखिए बहुत आसान है इसको, 6 है तो 66.66, 7/9 है तो 77.77, 8/9 है तो 88.88। तो 9 का टेबल लर्न करना काफ़ी आसान है। सपोज 11/9 है तो 9 तो 1 पे जाएगा पहले, तो बचा कितना है 2/9, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2/9 होता है 22.22, तो 1 का मतलब 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 122.22%, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे 17/9 है तो 9 को 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8 बचता है, 8 बचने का मतलब क्या है 88.88%। जैसे फ्रेंड्स 17 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 1 और 8/9 यही आएगा, 9 का 9 और 8, या 8 बचने का मतलब होता है 88.88, ये 1 का मतलब होता है 100%, तो 188.8% होता है जी। अब 1/7 का टेबल कैसे याद, जैसे यहाँ पर देखिए 14.28 होता है 1/7, 2/7 14 का देखिए टेबल यहाँ पर शुरू हो जाता है, जैसे 14.28 हो गया, यहाँ पर 28.57 है, 14 को 3 से करके 42 हो जाता है, फिर 0.85, जब 4/7 है तो हमें वैसे मतलब पता है कि 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है, लेकिन यहाँ पर 57.6164 है, एक बढ़ गया, तो 4 से बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे 14 को 5 से करेंगे तो 70 आ जाता है, तो यहाँ पर 71.42 है, यहाँ पर 6 है तो 14 को मैं अगर 6 से करूँगा तो 84 रहता है, यहाँ पर एक बढ़ के आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 जो वैल्यूज़ हैं इसमें एक एक बढ़ के आ रहा है, 57 आ रहा है, 56 14 के टेबल के अकॉर्डिंग, तो इसको लर्न करना बहुत आसान है। तो जब 100% हो जाता है कोई चीज़ उसके बाद लर्न करना वैसे ही आसान हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 के बाद 1 ऐड होता है तो ये ऊपर 8.8/7, तो अगर 1 ये कितना है 1/1/7, ठीक है जी, क्योंकि 7 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो 1 बचता है, 1 का मतलब 1/7, तो 1 पे जाएगा 7, एक ऐसे ही 8 आगे हो जाएगा तो 7 पे गया तो बचा कितना 1, ये जो 1 है जिस पे गया है तो इसका मतलब 100% होता है, जो बचा है रिमाइंडर 1 बचा है तो 1 का मतलब क्या होता है 14.28, तो ये क्या होगा 114.28%। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वैल्यूज वैसे ही लर्न हो जानी है। 1/3 क्या है 33.33%, जैसे 2/3 कितना है 66.67%। उसके बाद इसमें 1/3 के टेबल में सिर्फ 2 ही वैल्यू लर्न करनी है, बाकी तो रिपीट ही होती जाएगी आपकी। उसके बाद 1/6 में क्या होता है 16.67%, 2/6 अगेन कटिंग हो जाएगी तो 1/3 ही रह जाएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 33.33% है, तो एक वैल्यू है जो 5/8 है उसको लर्न करना पड़ेगा, वो है 83.33%। फिर कुछ और परसेंटेज जो इम्पोर्टेंट होती है, जैसे 1/11 होती है 9.09, 1/11 का टेबल भी याद करना बहुत आसान है फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे 2/11 करोगे तो ये 22, यहाँ पर 9 का टेबल चले जाता है, जैसे 11 के टेबल में यहाँ पर 9, जैसे 9.09 है तो 9 का टेबल क्या होता है 18.18 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर सपोज मैंने 3/11 करना है तो 9 का टेबल जाता है 9 × 27, ये 27.27% होता है। अगर मैं 4/11 करूँगा तो 9 चौका कितना होता है 36 होता है, ये 36.36%। तो 1/11 का टेबल भी याद करना काफ़ी आसान है। एक और चीज़ 1/12, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 8.33% 1/12 होती है।
उसके बाद 1/16, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें पता था कि जो 1/8 होता है, हमने टेबल में कराया तो 12.5 होता है, तो दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना रहेगा, 6.25। यहाँ 1/2 से करोगे तो ये 6.25। अगर 1/8 आपको पता चल गया तो आप इजीली बता सकते हो कि 1/16 क्या होता है, उसका हाफ ही करना है हमने। ऐसे ही 1/18 भी हम इजीली पता लगा सकते हैं। अगर आपको 1/9 का पता है तो वैल्यू आप इजीली पता लगा पाएंगे कि ये 1/18 था 5.55। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे 5.26 की वैल्यू होती है, 1/19 होती है। उसके बाद 1/13 7.7%, 1/14 7.1%, 1/15 6.67। ये जो प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये वैल्यू अपने आप लर्न होनी आपको शुरू हो जाएगी। कुछ और वैल्यूज़ है जैसे 1/21। देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर देखा जाए तो ये कैसे कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। इसको डिवाइड कर लेते हैं 25 तक। 25 होता है 4%, तो ये 4.47 के 4% तक चल रहा है। जैसे 4.54 हो गया, 4.34 हो गया, 4.16 हो गया, तो इसको आप ऐसे ही लर्न करेंगे। और 1/30 होता है 3.33, तो ये 3.84 से टेबल शुरू हो जाता है, तो उसके बीच में लाई करता है। 3.7027 हो गया, 3.57 1/8 हो गया, 1/29 3.44। ये जो आपको तो चलो इतना ज़्यादा नहीं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, तो उनको तो ये वैल्यूज़ लर्न होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे बाकी आपको जो वैल्यूज़ है मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, उसके ऊपर आपको ईजिली पता लग पाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे व्हाई डू वी लर्न परसेंटेज वैल्यूज़, हम इसी इन वैल्यूज़ को क्यों याद करें, इसका फ़ायदा क्या होएगा। एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बोलता हूँ सपोज़ यहाँ पर 100 का 100 मल्टीप्लाई 10%, ठीक है जी, चाहे मैं अगर ऐसे दे रखा है तो ये परसेंटेज को मैं इधर भी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 100% 10, तो बात एक ही है। इससे अगर आप दोनों से वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर भी 100 10% होता है, 10/100 तो 10 ही आएगा। अगर इधर से भी करोगे 100% का मतलब 1/100 100 मल्टीप्लाई 10, तब भी वैल्यू 10 ही आएगी यहाँ पर। तो इससे ये पता चलता है कि एक चीज़ लर्न की हमने कि ये परसेंटेज अगर ऐसा है ना 28% ऑफ मल्टीप्लाई 420, तो हम इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, ये भी 28 मल्टीप्लाई 420% है ये, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई 540% है, तो परसेंट को इसके साथ भी लगा सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये क्वेश्चन रिसेंटली ऐसे एक क्लर्क में भी आया है। तो ऐसे परसेंटेज की वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जो 20 का टेबल है हमने अभी लर्न करा था 1/5 का, तो 1/5 कितना क्या होता है 20%, 2/5 कितना होता है 40%। तो ये पता, जैसे 420% है तो मैंने उसमें बताया आपको, इसका आपने सिर्फ जो स्टार्टिंग में दो वैल्यू उसका हाफ कर लेना, तो डिवाइड बाई 5 कर, एक चीज सिफर जो है आपने छोड़ देनी है, कहने का मतलब कि डिवाइड 10 कर देना है, ठीक है जी। तो डिवाइड 10 करने से क्या होएगा, वो कट जाएगा और बाकी का हाफ कर लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21 डिवाइड बाई 5। तो 28 को मल्टीप्लाई करूँगा 21/5 से, ऐसे ही 36, ये 540 है, इसका हाफ करूँगा 27, तो डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, तो ईजिली देखिए सॉल्व हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू कॉमन हो तो हमेशा इसको कॉमन निकाल लेना, बीच में क्या रहेगा 28 को 21 से, 36 को 27 से, ठीक है जी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए ये भी माइंड में आपने कैलकुलेशन करनी है। हम क्या करते हैं, 28 को जब मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइंड में क्या चलेगा, 28 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट 20 से फिर 1 से, तो 20 से क्या करूँगा, कैसे करूँगा, 28 का डबल कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 560। 28 को 20 से करूँगा तो आएगा 56, साथ में 0 है, तो एक और प्लस फिर 28 हो जाना, तो ये हमारे पास क्या आएगा 588। तो इजीली देखिए सम हो गया। अब इसको कैसे माइंड में मल्टीप्लाई करेंगे आप, जैसे यहाँ पर है 36 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे को 25 का टेबल बहुत आसानी से पता लग पाता है, देखिए 25 का टेबल बहुत ईजी है, तो मैं क्या करता हूँ माइंड में ही 25 प्लस 2 ऐसे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो पहले 25 का टेबल, 25 को 6 करूंगा तो 150, 0 आ जाएगा, 15 बचा। 25 को 3 करेंगे 75 प्लस 15 तो कितना होगा 90। तो 25 से करने से 900 आ गया, और उसके बाद डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 36 को, तो डबल हो जाएगा ये 72। तो ये क्या आ जाएगा 972। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 972। तो डिवाइड ये हम इसको हम सम करेंगे, तो ये सम करने पे हमारे पास आ जाएगा 0, 6। और अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और लर्न करनी है हमने, जब भी आपने 5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कुछ भी, तो सबसे आसान मेथड क्या होता है, 5 को हमेशा आपने 10/2 लिख लेना है, ठीक है जी। हमेशा क्या करना है आपने, 5 को 10/2 कर लेना है। तो इससे देखिए बेनिफिट क्या होएगा, जैसे यहाँ पर 1560 था तो डिवाइड बाई 5 था, तो मैंने 5 को क्या लिखना है 10/2, 2 ऊपर चला गया तो ये 0 से 0 हो गई, कट गई। तो इससे मेरे को कहेगा अब 150 का डबल 300 हो गया और 6 का डबल 12 हो गया, तो ये यहाँ पर जो आंसर आएगा 312 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे 75% ऑफ 450 है, 75% हमें पता है कि 75% होता है 3/4, इसको 450 लिख लिया। 25% कितना होता है 1/4, इसको 850 हो गया। ये भी SBI क्लब में क्लर्क में लास्ट जो हुआ है अभी रिसेंटली, तो उसमें क्वेश्चन आया था, तो हमने क्या करा है इसमें 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन हमेशा अपने वैल्यू बाहर निकालनी है फ्रेंड्स, जब भी कैलकुलेशन करनी है। तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 450 से, 45 का डबल 90 और उसका एक बार 45 करेंगे 135, तो 1350 यहाँ पर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर कितना था, 1/4 कॉमन था तो बीच में 850 ही बच गया, तो ये हमारे पास ऐड करेंगे। अब इसको ऐड करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, 1350 है और 850 है, पहले 100 वाली वैल्यू को अलग से ऐड करना है, माइंड में ही करना होता है जी वैल्यू। जैसे 13 + 8 कितना हो गया हमारे पास 2100, और 50 + 50 100, तो कितना हो गया जी 2200। डिवाइड बाई 4 करेंगे, ये चला गया 5, 5 और 0, हमारा आंसर क्या आ गया 550। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसमें जैसे 70% ऑफ 320 और 45% ऑफ 240। तो 70% को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये परसेंट इसके साथ लगा देता हूँ 320 के साथ, ठीक है जी। ऐसे 45% है, इसको मैं लगा देता हूँ 420% के साथ। अब देखिए वो 20 वाला कंसेप्ट हमारा आ गया, तो देखिए मैं क्या करूँगा, ये कितना हो जाएगा, हमने जो स्टार्टिंग की दो वैल्यू उसको हाफ लिख लेना, ये 16 होता है डिवाइड बाई 5 हो गया। चलो जी ये सॉल्व हो गया हमारा, यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 12/5 लिख लेंगे। कैसे करते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 120 का टेबल बता रखा है, तो क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड बाय फिर 10 कर देते हैं, तो ये हमारा मतलब स्टार्टिंग की दो वैल्यू को हाफ कर देना, हमने 12 आ गया, तो इस साथ में 0, 10 जो है हमने कैंसिल करनी है यहाँ पर। अब 1/5 हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 को 7 का, आपको 16 का टेबल पता होना बहुत ज़रूरी है, 16 × 7 आप करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1120। 45 को 12 से के बाद 5 आपके यहाँ पर 60 हो गया, और 6 × 45 = 6 = 54 हो गया। तो इसको आप सम करेंगे, 1100 + 5 = 500 हो गया हमारा 1600, और 1660 ठीक है डिवाइड बाई 5 करेंगे, ये 5 3 पे चला गया, फिर 3 पे, ये चला गया 2 पे, तो हमारा आ गया 332। अब इसी चीज़ में आपको एक और बेहतरीन बात बताता हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसे जी हमारा क्वेश्चन में था 70% ऑफ 320, जब भी जिससे मल्टीप्लाई कर रखा हो, जैसे वो पूछ ले 67% निकालना है, 73% निकालना है किसी चीज़ का, तो हमने कुछ वैल्यूज़ हैं वो हमें हमेशा पता चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे मैं सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए किसी चीज़ का 50% कितना होता है, 50% कितना होगा 160, इसका हाफ हो गया। फिर 10% कितना होता है, 10% होता है 32, मतलब एक आपने पॉइंट छोड़ के डॉट लगाना होता है, मतलब जैसे 320 है तो एक यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो ये 30 जाएगा। तो 1% कितना होता है, 1% होगा 3.20, इसमें क्या होता है दो वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना होता है, ठीक है जी। उसके बाद 5% कितना होता है, जो 50% होता है, जैसे 50% उसका डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 5% आ जाता है, तो यहाँ पर अगर मैं 160 को डिवाइड करूँगा 10 से तो 16 आ जाएगा, तो ये हमारा हमेशा क्या होगा 5%। तो आप 5% यहाँ से भी निकाल सकते हो, 10% कितना होता है 32, तो हाफ उसका क्या होगा 5%।
तो ये आपको चीज़ें बहुत बारीकी से, अब यही क्वेश्चन जो था जैसे 70% निकालना था मैंने 320 का, 70% 320 का, ठीक है जी। तो मुझे 50% कितना है, 160, 50% मेरा कितना हो गया 160, तो 10% कितना हुआ 32, और 20% कितना हुआ 32 का डबल, तो वो कितना हो गया हमारे पास 64। देखिए ये हमारा 4 12, ये 224 बन गया। उसके बाद जैसे दूसरी और था 45% ऑफ 240, ठीक है फ्रेंड। इसमें कैसे कर लेंगे आप, इसमें आप देखिए 50% कितना होता है 120, अब उसमें से 5% निकालना है। 5% मीन्स जैसे 50%, अगर जितना 50% होता है उससे डिवाइड 10 कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा हमेशा 5%। 50% कितना है 120, उसके डिवाइड करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 माइनस करेंगे 108। तो आप इन दोनों को सम करेंगे 224 को, 224 को करेंगे 108 के साथ, तब भी हमारा आंसर ये आ गया 3 और 3 3 3 2। तो ये मेथड मैंने इसलिए बता रखा है, मान लीजिए आपको कोई ऑकवर्ड वैल्यू आ जाए 367, ठीक है जी, तो उसको आपने उसकी परसेंट निकालनी है, 73% निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अब इसका 50% पता होना चाहिए। 50% कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, हमने और सबसे पहले इवन वैल्यू ले लेनी होती है। जैसे 300 का हाफ 150, 60 का हाफ 30, 6 का हाफ 3, तो ये सीधा मेरा कितना बन गया 183। तो जो एक बचता है उसका हाफ करेंगे तो 0.5, तो ये 50% कितना है 183.5, ये हमारा 50%। अगर वो पूछता है 5% कितना होएगा, बड़ा आसान है 18.35, ठीक है जी 18.33, सॉरी 18.35, ठीक है जी 18.33। तो ये मैं इसलिए बता रखा है। चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एज सैलरी इज 30% लेस देन द बी, हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। वो कहता है ए की जो सैलरी है वो 30% लेस है बी से। मैं मान लेता हूँ अगर बी का 100 है तो ए की सैलरी कितनी होगी 70, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंस कितना है 30 का, डिफरेंस हमारा कितना है 30 का। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, एक तरीका बताता हूँ आपको। जैसे वो कह रहा है बीज सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए, जिसके साथ मोर देन और लेस देन लगा होता है वही वैल्यू से हमने डिवाइड करना, वही हमारा बेस होता है। जैसे ए की वैल्यू कितनी है 70, तो डिवाइड कैसे होगा 70 मल्टीप्लाई 100 होता है, तो 0 से 0 कटेंगे, ये हमारा 300/7 है। जब इसको आप लिखोगे तो तकसीम करेंगे तो 300 को आप 7 से, ये 4 पे 28, 20 और 2 पे ये 14/6, कितना बचा ये 42/6/7। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने 100% इन्वेस्ट करा तो मेरा उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट आया तो मेरा 110 बन जाता है। ये कैसे बनता है, जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, इसको लर्न करने का सबसे आसान मेथड क्या है। जैसे 100 है, जितना 100 के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज होया तो 100 प्लस लिखूंगा, डिक्रीज होगा तो 100 माइनस लिखूंगा। जैसे 10 इंक्रीज हुआ तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना 110/100 करना है, तो ये सिफर से 100 से 100 कट जाता है, तो ये हमारे आ जाता है 1110। अगर वो कह रहा है कि 100 है उसमें मेरी 10% वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो वो 90 कैसे आता है। मैं 100 को कहता हूँ 10% डिक्रीज कराए, तो 10 अगर मैं माइनस करूँगा 100 में से तो आ जाता है 90, डिवाइड हमने करना होता है 100 से, 100 कट जाता है, इसलिए ऐसे हमारा जो 90 आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करते हैं, इफ़ ए अर्न 33/1/3% मोर देन बी। अब देखिए यहाँ पर मैं ए लिख लेता हूँ, यहाँ पर बी, ए कितना अर्न कर रहा है 33.33% ज़्यादा कर रहा है बी से। अगर बी 100 है तो ये कितना होगा 100 प्लस ये 30, देखिए मैं इसको लिख देता हूँ 33/1/3, ये मल्टीप्लाई करेंगे 99, ये 100/3 आ जाता है, तो वो 100/3 ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये कितना हो जाता है, ये 300 हो गया प्लस 100 400/3, तो ये 100 हुआ। देखिए अब इसका डिफरेंस कितना होएगा, डिफरेंस होएगा 400/3 से 100 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 100/3 एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 100/3, ठीक है जी। तो 100
बाई थ्री वो क्या कर रहा है, हाउ मच परसेंट डज बी अर्न्स लेस देन बी, लेस देन किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, तो डिवाइड भी किससे होएगा, डिवाइड भी हमारा ए से होएगा, ए कितना है 4 / 400/3, ये मल्टीप्लाई कितना था 100, मल्टीप्लाई हम ये 3 से 3 कट देगा, 00 से 00 कट देगी, ये 4 से 25, तो आंसर क्या आएगा 25%। अब देखिए क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अ मैंस वाज मैंस वेज वाज रिड्यूस बाय 50%। देखिए एक मैन था, मान लीजिए मैन है, उसका 50% वेज डिक्रीज हो गया, पहले 100 था तो अभी कितना हो गया 50। अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज्ड, फिर दोबारा से उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी गई, अब 50% इंक्रीज करा है, 50% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, मतलब 100 में से 100 में प्लस हमारा 50 हो गया, तो ये 150/100 हो गया, तो ये 0 से 0, 0 से 0, ये कितना हो गया 75, तो कितना हो गया हमारे पास 75। वो कह रहा है फाइंड द लॉस इन द टर्म ऑफ परसेंटेज, पहले 100 था अब मेरा कितना हो गया 75, कितने का लॉस हुआ 25 का, कितने पे हुआ मेरा 100 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये हमारा, तो यहाँ हमारे पास आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 25%। अब ये देखिए सैलरी ऑफ द पर्सन वाज रिड्यूस बाय 10%, मतलब पहले अगर उसकी 100 थी, अब उसकी सैलरी 10% जो है डिक्रीज हो गई है, तो कितनी रह गई है 90। बाय व्हाट पर्सन शुड हिज रिड्यूस्ड सैलरी, जो उसकी कम हुई सैलरी है बी रेज्ड, कितनी बढ़ाई जाए, सो एज टू ब्रिंग इट एट पार, दोबारा से उसकी एट पार मीन्स बराबर, उतनी ही बराबर जो पहले सैलरी थी विद इट्स ओरिजिनल सैलरी, मतलब दोबारा से उसकी 100 ही हो जाए। देखिए फ्रेंड्स 100 सैलरी थी, उसकी 10% डिक्रीज हुई, तो कितनी होगी 90। वो कहते हैं 90 में कितना इंक्रीज किया जाए कि दोबारा से 100% हो जाए, अब 90 से हमने 100 बनाना है, तो डिफरेंस कितने का है 10 का, तो किससे बनाना है, हमने बेस क्या है हमारा 90, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो 0 से 0 कटेगा, ये 100/9 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 से 1/9%, हमें पता है 1/9 99 पे जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पर 11/11 से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज परसेंटेज में आपने 100 इन्वेस्ट करा है, ठीक है जी, और उसके ऊपर आपको 10% इंक्रीज मिला है, तो आपका नंबर कितना बनेगा। नॉर्मली अगर हम बोलते हैं कि 100 के ऊपर 10% इंक्रीज हुआ तो 110 बनना चाहिए, तो वो कैसे बनता है, हम 100 की वैल्यू एज इट इज लिखते हैं, 10% इंक्रीज का मतलब जब भी इंक्रीज या डिक्रीज हो 100 के ऊपर होएगा, 100 के ऊपर 10% इंक्रीज मतलब 110/100, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 110, इस तरह से हमारा ये 110 आ जाता है। सपोज वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने x परसेंट इन्वेस्ट करा जिसके ऊपर उसको 10% का इंक्रीज मिला और वैल्यू 110 बन गई, तो इसको कैसे करेंगे कि x के ऊपर उसको कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 10%, 10% इंक्रीज का मतलब उतना 100 में प्लस कर देते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, x के ऊपर 10% इंक्रीज होने से वैल्यू कितनी बनती है, ये वैल्यू होती है बराबर उतनी वैल्यू के बराबर, तो कितना 110 हो जाती है, जब x के ऊपर 10% इंक्रीज हुआ तो 110 बन गई, अब x की वैल्यू कितनी होएगी, ये 110 सामने सामने कट जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आएगी 100। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि उसने मान लीजिए 100 इन्वेस्ट करा और उसकी वैल्यू 110 बन गई, बताइए कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। परसेंट का मीनिंग होता है कि कितना इसके ऊपर डिफरेंस है, डिफरेंस है 10 का, 10 कितने में, 10 का हमें जो इंक्रीज मिला कितने पे मिला है 100 के ऊपर मिला है, तो मल्टीप्लाई 100, तो 10 रुपये हमारे हमें जो इंक्रीमेंट मिला है वो 100 पे बना है, जो बेस है वो 100 होएगा, तो 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 10%। ऐसे ही मान लीजिए मैंने किसी को 18 रुपीज़ दिए तो उसने मुझे वापस 27 कर दिए, तो मैं देखना चाहता हूँ कितना परसेंट का मुझे मुनाफा हुआ, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कितना है इसका 9, 27 से 18 माइनस करा है, 9 मैंने कमाए हैं, कितने के ऊपर कमाए हैं 18 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो परसेंटेज आ जाती है, इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 50%। अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता मैंने कितना इन्वेस्ट करा था,
लेकिन इतना पता चला कि 50% का इंक्रीज़ हुआ है और मुझे उस फ्रेंड ने 2700 रुपये वापस दे दिए। तो मेरे को भूल गया कि मैंने कितना इन्वेस्ट करा। तो कैसे पता चलेगा कि मान लें एक्स परसेंट के ऊपर अगर मुझे 50% का उसने मुनाफा दिया है तो 50% उतना इंक्रीज़ हो जाएगा 100 के ऊपर, डी उससे मेरी कितनी वैल्यू बन जाती है 27। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 100 ऊपर चला जाएगा और जो 150 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 का 2 से ये 3, और तो ये फ्रेंड्स अगेन देखिए 18 आ गया। ठीक है जी, ये बेसिक है परसेंट का जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको इधर समझा देता हूँ, सपोज किसी चीज़ का 10% है 130, किसी चीज़ का 10% है 130, वो पूछ रहा है बताइए 13% कितना होएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर 10% किसी का 130 है तो 1% कितना होएगा, 130 डिवाइड बाय 10। तो बाद में उसका 13% कितना होएगा, हम क्या करते हैं 13 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 13% हो जाएगा 130 डिवाइड बाय 100, तो 13% यहाँ से पता लगा पाते हैं, इधर भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन इसका मैं सरल मेथड बताता हूँ आपको, बहुत ही सरल मेथड। जैसे सपोज 10% इंक्रीज हुआ तो 130 बन गया, तो मुझे ये पता लगाना है बताइए 13% कितना होगा। मैं इसका 10 का 13 बना लूँगा। कैसे बनते हैं, मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से डिवाइड कर दूँगा, तो 10 से 10 कट जाएगा तो 13 रह जाएगा। जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मुझे दूसरी साइड भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी क्या करूँगा 13 डिवाइड बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो फिर 0 से 0 कट जाएगा तो 13 होती है 13 169 हो जाता है, जो 10 से 10 कट जाएगा तो 13% कितना बनता है 169। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए वो कह रहा है कि 6 की वैल्यू किसी की मान लीजिए 13 है, तो वो पूछ रहा है 7 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, 7 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 7/6 कर दूंगा इधर। ठीक है जी, तो 6 से 6 कट जाएगा, 7 रह जाएगा। जो चीज़ यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं दूसरी और भी करूँगा। तो ऐसे मैं 7 की वैल्यू 13 × 7/6 आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। अब मैं एक चीज़ आपको फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, मैं एक यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू, मान लीजिए मेरे पास 10 एप्पल हैं और मेरे फ्रेंड्स के पास 12 एप्पल हैं। मेरे पास कितने हैं 10 हैं, मेरे फ्रेंड्स के पास कितने हैं 12 एप्पल्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है उसके पास मेरे से 2 एप्पल ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसी चीज़ें हैं ना, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मोर एप्पल है उसके पास और मेरे पास लेस एप्पल है उससे, जब भी वर्ड आए मोर और लेस, ये हमेशा डिफरेंस होता है। अगर बोलूं ए इज 2 मोर देन बी, ठीक है जी, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 के होगा। ठीक है जी, अगर मैं बोलूं ए इज 2 लेस देन बी, ए इज लेस है तो बी से माइनस होगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू 2। ये दोनों चीजें फ्रेंड्स याद रखना, ये बहुत ही हेल्पफुल है सभी एक्सरसाइजेज में, मैथमेटिक्स की कोई भी एक्सरसाइज जहाँ पर मोर और लेस हो तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि किसी ना किसी चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ कह रहा है 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन दैट ऑफ 4/5 ऑफ दैट नंबर। ये लेस है तो ये चीज़ मैं इसको ए मान लेता हूँ, तो इसको अगर मैं बी मान लेता हूँ तो ये लेस है तो बी माइनस ए आएगा, तो कितना आएगा 4/5 ऑफ मान लीजिए नंबर एक्स है माइनस 65% ऑफ दैट नंबर बराबर 21 के। तो 4/5 कितना होता है, लास्ट वीडियो में मैंने, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो देख ले कृपया, 1/5 होता है 20%, तो 2/5 होता है 40%, 3/5 होता है 60%, 4/5 कितना होगा 80%। 80% ऑफ एक्स, मैंने इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, तो 80% से 65% माइनस करता हूँ तो कितना बचता है 15% ऑफ एक्स का। ये 21 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, परसेंट होता है बराबर 1/100 की,
तो ये लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई 1 बाय 100 इज इक्वल टू 21, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी 21, ये 100 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, 5 से चलेगा यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3 से 7, तो ये कितना आ जाएगा 140। आंसर क्या है, 7 को 2 से 14, तो 140 आया। अब वो पूछ रहा है इफ 35% ऑफ अ नंबर, अगर 35% ऑफ नंबर मीन्स कोई एक्स लिया है तो वो बराबर है 175 के, तो पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। अब देखिए ये कहते उस नंबर का 175 का कितना परसेंट होएगा वो उस नंबर का। देखिए पहले हम इस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 35% का मीन 1/100, तो ये हो गया 175, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175, 100 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 5 पे चलेगा 7 पे, तो 2 ये 7 पे 14, तो ये कितना आएगा 500। तो वो कह रहा है ये जो 500 आई है वैल्यू कितना परसेंट, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई वाई है, वाई कितना परसेंट ऑफ 175 ऑफ दैट नंबर है, वो दैट नंबर कितना निकाला हमने 500, तो 500 यहाँ वाई ले ले तो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है मल्टीप्लाई 175, तो ये वाई निकाल लेंगे, ये 500 तो 100 ऊपर चला जाएगा और 175 नीचे आ जाएगा, ये 25 पे चला जाएगा, 25 को 7 से करेंगे और 25 ये आएगा वाई की वैल्यू 2000 डिवाइड बाय 7। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए 76% ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास वर बॉयज, वो कह रहा है कि क्लास में जो 76% है स्टूडेंट्स वो बॉयज हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 204 देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर 76% बॉयज है तो 100 में से 76 को माइनस करते हैं तो 24% कितने होंगी गर्ल्स होंगी। तो उसने हमें बता रखा है अगर गर्ल्स 204 हो, इट मींस 24% बराबर किसके हैं 204 के, तो पूछ रहा है कि टोटल 100% कितनी होंगी, बट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूंगा इस 24 का 100 बना लूंगा, 100 डिवाइड बाय 24 से कर दूंगा, इसे 24 कर जाएगा 100% आ जाएगा। जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर करूँगा, इससे फ्रेंड्स आपके 3 स्टेप बच जाते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, पहले 1% निकाल लेंगे वे 24 नीचे चला जाएगा, फिर उसका आप 100% निकालेंगे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक ही स्टेप में इसको ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए 24 का मैंने 100% बनाया था, जिस जो बनाना है वो ऊपर रहेगा, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो जो चीज़ मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर मल्टीप्लाई, यहाँ 24 है 24 कट जाएगा, ये आ जाएगा 100%, तो यहाँ 204 100 बाय 24 आ जाएगा, ये 4 पे चलेगा 4 6 51, और 3 को 2 से 3 17 आ गया, ये 2 से 50 तो 17 5 85, तो 850 जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल एग्जामिनी पास्ड, 65% जो स्टूडेंट्स थे वो पास हो गए हैं। इफ द नंबर ऑफ फेलर इज 420 व्हाट इज द टोटल नंबर, अगर फेल कितने हुए हैं 420, तो अगर 65% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 100 में से 65 निकालेंगे तो 35% जो है स्टूडेंट्स वो फेल हुए हैं। तो वो कह रहा है फेल कितने हैं 420, इट मींस 35% किसके बराबर है 420 के, तो वो पूछ रहा है टोटल नंबर, टोटल नंबर मतलब 100%, 100 कैसे बनाएंगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे 35, ये 35 से 35 कट जाएगा तो 100% आएगी। जो चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर भी करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे ये 35 कट गया, ये 100% आ जाएगा, तो यहाँ मैं इसको 420 100 बाय 35 था 35 से, अब 7 से चलेगा, 7 के 5 6 और 5 2 ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1200। अब यहाँ पर कह रहा है 42% ऑफ अ नंबर किसके बराबर है 892.5, वो पूछ रहे 73 कितना होएगा,
तो 42 का 73 ये एक ही स्टेप में हम बना सकते हैं। क्या करेंगे, 73 डिवाइड बाय 42 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए जी 42 और 42 कट जाएगा, ठीक है जी। तो जो चीज़ मैं ये पूरी यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मुझे इधर भी करनी होगी। तो 73 डिवाइड बाय 42 तो 892.5 मल्टीप्लाई 73 डिवाइड बाय 42, ये पॉइंट का इधर 10 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा 4 पे चला जाएगा, 4 3 पे चला जाएगा फ्रेंड्स, 3 और ये देखिए, अगर सभी डिजिट का सम जैसे 5 + 2 = 7 होते हैं, 7, 8, 9, 17 और 7 हो जाएगा हमारे पास 24। अगर किसी भी वैल्यू की डिजिट का सम जैसे 24 बनता है, 8 को 9 से, 2 से और 5 को सम करेंगे, अगर वो पूरा 3 पे कट जाता है तो पूरी वैल्यू भी 3 से कटेगी। तो देखिए 4 और 2 = 6, 6 3 के टेबल पे आता है तो ये भी 3 पे कट जाएगा। तो मुझे ऐसे सीधे पता चल पाया कि ये सीधे 3 पे कट जाएगा। 3 को 2 से करेंगे, 6 और 3 = 27 और 2 और 2 = 3, 7 = 21 और 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और बाद में डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने को बताया कि आपने सीधे नहीं मल्टीप्लाई करनी 73 से, आपने 70 + 3 से करनी है। तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपको 7 का टेबल पढ़ना होगा। यहाँ पर 7 का टेबल आप पढ़ोगे तो साथ में 0 लगा दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। 7 का जैसे आप टेबल पढ़ोगे तो इसको देखिए, 7 को 5 से 35, 3 × 49 और ये 2 बचा कितना, 5 67 और 5 × 8 इस बचा कितना, 6 × 14 = 20। तो ए ये 7 को मल्टीप्लाई किया तो साथ में 0 लगा दी। अब 70 को तो मल्टीप्लाई हो गया है, अब 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 5 से 3 × 5 = 15, 1 × 3 = 7 = 21, 2 × 22 = 27, 2 = 31, 3 × 15 = 1, 3 × 7 = 22, 3 × 9 = 27, 2 × 29 = 29, 2 × 3 = 6 और 8। ये इतना बचा, अब इसको सम कर देंगे, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 1 = 1, ये आ गया 217175। अब इसको डिवाइड किससे करना है, यहाँ पर 14 था नीचे और 10 था, 10 को एज इट इज रहने दो, बाद में पॉइंट लगा देंगे। अब 14 से काटना शुरू कर देंगे, 14 का टेबल आपको टिप्स पे होना चाहिए यार। तो 14 एक गया, 14 को 14 7 7 14 को 7 से करेंगे तो यहाँ 7 7 बना, 14 को 5 से करेंगे 70 7, उसके बाद 1 बचा 71, फिर 5 से करेंगे 1 और 7, 14 × 14 और 3 × 5 बचेगा हमारे पास और तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0.5 लग गया। तो नीचे 10 भी था तो ये आएगा 1551.25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर नीचे 10 है तो 1 पॉइंट छोड़ के यहाँ पर लगा देना आपने। अब देखिए क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाय 10%, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस के 10% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मीन्स वो 90 से रह गया, ठीक है जी। कैसे फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया 10 के ऊपर 100 के ऊपर 10% डिक्रीज करा तो 10% डिक्रीज कितना हुआ, तो 100 में से 10 माइनस है और 90 डिवाइड बाय 100 होता है तो 100 से 100 कट जाता है, ये 90 आ गया। अब कह रहे थे नंबर सोल्ड जो बेचा गया है इंक्रीज बाय 30%, अब उसके ऊपर 30% का इंक्रीज हो गया, तो 30% इंक्रीज मीन्स 90 के ऊपर 30% की 130 होएगा डिवाइड बाय 100, 0 से 0 दोनों कट देंगे, 13 को 9 से करेंगे आ गया 117। वो कह रहा है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना था हमारा 100, उसके ऊपर कितना फर्क पड़ा 117, मतलब 17 का फर्क पड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का, 17 का, 17 का डिफरेंस कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 17% का रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ा। अब कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 25%, कहता है डिफरेंस मतलब दो चीज़ों का डिफरेंस, एक नंबर के ऊपर 125% इंक्रीज हुआ तो एक नंबर के ऊपर 25% इंक्रीज मतलब वो 125% हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाय, ओरिजिनल नंबर वही नंबर की बात कर रहा है तो ओरिजिनल नंबर का जो डिफरेंस है मतलब जो डिक्रीज बाय 30% मतलब वो 70% रह गया, तो ये कह रहा बराबर किसके है 22 के, दोनों चीज़ों का डिफरेंस किसके बराबर है 22 के, किसके किसके, जैसे 25% पहले ओरिजिनल नंबर पर इंक्रीज हुआ तो वो 125% हो गया, 30% कम हो गया तो 70% का हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस 22 के बराबर है।
अब देखिए 125 से 70% माइनस करेंगे तो ये 55% ऑफ एक्स बराबर किसके 22 के। वो बताइए क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा, ओरिजिनल नंबर कितना होता है 100%। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है एक ही लाइन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 55% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 22 है, मैंने इसका 100% पता करा है। 100% पता करने के लिए 100 ऊपर लिखूंगा और 55 नीचे लिखूंगा। जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर भी करूँगा, ठीक है जी। तो ये 55 से 55 कट जाएगा, तो ये 100% ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा। ये देखिए 11 के टेबल में 11 को 5, 5 को 2 से करेंगे, ये 20 को 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो 100% कितनी वैल्यू आ गई, वो आ गई 40। पहले हमें ये पता होना चाहिए एवरेज होती क्या है। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब होता है सपोज 3 persons हैं, 3 persons, ठीक है फ्रेंड्स, 3 persons हैं और एक के पास एक एप्पल है, एक के पास दो है और एक के पास 3 apples हैं, ठीक है जी। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, एक के पास एक एप्पल है, दूसरे के पास 2 apples है, तीसरे के पास 3 apples है, हमने सभी एप्पल्स को ऐड कर दिया, ठीक है जी। डिवाइड होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि टोटल कितने पर्सन है, 3 लोग हैं तो 3 लोग से हमने इसको डिवाइड करते हैं। तो 3 + 2 और ये हमारे पास 6 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 2। अब इस 2 का मतलब क्या है, 2 है एवरेज। अगर आप देखा जाए कि एवरेज का अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझ जाएँ तो 2 average का मतलब क्या हुआ कि एक के पास 1 था, एक के पास 2 था, एक के पास 3 था, इसने 3 के पास, देखिए 3 के पास एक एक्स्ट्रा है, इसने एक एक्स्ट्रा इसको दे दिया, सभी के पास 2 2 2 रह गए। एवरेज का मतलब होता है सभी के पास जो वैल्यूज़ है वो सेम रह जानी। अब देखिए 2 + 2 + 2 6 होते हैं टोटल, 3 2 5 और 6, ट्रॉफी टोटल कितनी है 6। तो 2 average का मतलब है अब सभी के पास 2 2 2 हमारे पास एप्पल्स है अभी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया बेसिक। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे द बॉडी वेट ऑफ द 6 persons इज रिकॉर्डेड एज, 6 लोग हैं उनका बॉडी वेट जो मेजर करा है, रिकॉर्ड किया गया है, वो है 54 64 75 67 45 91। नॉर्मली हम जो एवरेज करते हैं फ्रेंड्स, मैं एवरेज को जहाँ इसको ए भी लिख लेता हूँ, ठीक है जी। नॉर्मली क्या करेंगे कि हम 54 उसमें 64 उसके बाद 75 67 प्लस 45 प्लस 91 और डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सम करोगे तो हमारे पास ये 396 आएगा, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये कटिंग होगी 6 6 का 36 और 6 6 का 36, यहाँ पर 66 एवरेज है। तो फ्रेंड्स इसके बीच में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ। इसमें देखिए अगर वैल्यू बहुत डिफिकल्ट आ जाए तो उसको फिर पहले हम इसको सम करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका आसान तरीका बताता हूँ। जैसे मेरे पास वैल्यू है 54 64 75 67 45 एंड 90, मैं कोई भी नंबर जो इनके बीच में आपको लगता है कि लाई करता हो मैं उसको बेस मान लेता हूँ। सपोज यहाँ पर मुझे सभी वैल्यू 60 के नज़दीक नज़र आ रही है, 60 के नज़दीक, तो मैंने मान लिया 60 जो है तो इसमें बेस मान लिया। अब दूसरी ओर 60 को बेस मानने का मतलब है कि अब बाकी वैल्यूज में कितना कम कितना ज़्यादा है वो देखते हैं। देखिए 60 तो मैं बेस मान चुका हूँ कि 60 एवरेज है, अब देखते हैं कि कम होती है कि ज़्यादा, वो कैसे पता लगेगा। जैसे 54 है, 54 60 में से 6 कम है तो मैं लिखूँगा -6, 64 60 में से 4 ज़्यादा है तो मैं लिखूँगा +4, 75 15 ज़्यादा है 60 से तो मैं लिखूँगा +15। मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 60 के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ बेस मान के कि कितना ज़्यादा है कितना कम है वो लिखी जा रहा हूँ। 67 7 ज़्यादा है, 45 15 कम है, 91 31 ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ये 15 से 15 कट गया, 31 + 7 38 हो गया, 38 + 4 मैंने सारी पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर ली
तो ये आप 42, 42 से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आता है 36। लोग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं इस 36 को 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर निकल के आता है 6। देखिए मैंने बेस जो माना था 60 माना था और बाकी जो ज़्यादा और कम है उसमें से एवरेज मेरा कितना निकल के आया? 6। तो ये जो 6 है मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो एवरेज आ जाएगा 66। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, एक बेस मान लिया मैंने 60 और उसमें कोई वैल्यू कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, अगर कम है तो माइनस लिखता हूँ, ज़्यादा है तो प्लस लिखता हूँ, सभी को ऐड कर दिया और जितने नंबर है टोटल उससे डिवाइड कर दिया तो वो निकल के आया 6। तो वो 6 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 माइनस का होता तो ये 6 माइनस यहाँ पर हो जाता है। अगर ऐसा होता कि 6.2 आ जाता तो ये जो एवरेज होनी थी 66.2 होनी थी। तो ऐसे हम इसको आसान तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास टोटल नंबर हैं 40। तो फ्रेंड्स क्या मैं सभी को ऐड करूंगा? 1+2+3+ करते 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 40 तक ऐड करूंगा और फिर इसको 40 से डिवाइड करूंगा? नहीं। जब भी नंबर जिनमें डिफरेंस सेम हो, जैसे 1 और 2 में भी 1 है, 2 और 3 में भी 1 है, कंजेक्टिवली सीधे नंबर चल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के एग्जाम्पल की फॉर्म में, जैसे अगर 2, 4, 6, 8 लूँ तो सभी में 2-2 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस सभी में सेम हो या फिर कंजेक्टिव नंबर हो, कंजेक्टिव नंबर का नंबर क्या होता है, जैसे 90, 91 क्रम अनुसार 92, 93, 94, तो उस केस में हम क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए? फर्स्ट नंबर कौन सा है? 1। लास्ट नंबर कौन सा है? 40। उसके बाद डिवाइड कर देते हैं 2 से। हमने क्या करा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आता है 41/2, तो जाएगा 20.5। तो मेरा एवरेज क्या आ जाएगा? 20.5। ये कब लगता है? 2 कंडीशन में, या तो नंबर बिल्कुल ऐसे हो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 91, 92, 93, बीच में कोई गैप ना हो, या फिर डिफरेंस सेम हो सभी में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, एक यहाँ पर और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ किसी और के टेबल से नहीं कटते, सिर्फ खुद के टेबल से कटते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 3 हो गया, 3 सिर्फ 3 से कटेगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 हो गया, जो सिर्फ अपने टेबल से ही कटते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे प्राइम नंबर कौन से होंगे 30 और 50 के बीच में। 31 हो जाएगा, उसके बाद 37 हो जाएगा, 41, 43 एंड 47, ये प्राइम नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एवरेज निकालने का तरीका, जहाँ तो मैं सभी को ऐड कर दूँ और डिवाइड कर दूँ 1, 2, 3, 4, 5 से। दूसरा मेथड क्या है, मैं एक मीन वैल्यू मान लेता हूँ, सपोज यहाँ पर कोई भी 30 मान ली, ठीक है जी, 30 मान ली, बाकी नंबर देखते हैं, ये 30 से 1 ज़्यादा है, 37 7 ज़्यादा है, 41 11 ज़्यादा है 30 से, ये 13 ज़्यादा है और ये 17 ज़्यादा है, तो सभी को ऐड करेंगे। 17 और 13 कितने हो गए? 30, 41, 41 और 8, 49, टोटल कितने हैं? 5 हमारे पास, ये हो गया 49 डिवाइड बाय 5, ये 5 चलेगा 9.8। ठीक है फ्रेंड्स, अब 9.8 आया हमारे पास, हमने बेस कितना माना था 30, उसमें से कितना देख लिया ज़्यादा और कम है, सभी ज़्यादा ही थे तो सभी को ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड कर दिया, 30 यहाँ से आ गया, 9.8 यहाँ से आ गया, तो हमारी एवरेज क्या आएगी? 39.8। अगर आप इसको सम करोगे तो ये भी 39.8 आएगा। तो ये मैंने आपको एक बेस मानकर कैसे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, कहते हैं फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, ऐसे नंबर फर्स्ट 20 लेकिन वो मल्टीपल 7 में हो। 7 में कैसे, पहला 7 है, फिर 40 है, 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है, ऐसे 100 ऑन 20 तक चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सभी में 7 कॉमन रहेगा। अगर सभी में 7 कॉमन निकालूंगा तो नंबर क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 100 ऑन 20 तक। ठीक है जी, और डिवाइड कितने नंबर से करेंगे, टोटल नंबर भी है 20। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया है इसका कैसे एवरेज निकालना है, 1 + 20। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, अगर बीच में कोई डिफरेंस ना हो, डिफरेंस सॉरी सेम हो, डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, और ये 20 तो यहाँ पर है ही है हमारे पास। ठीक है जी, ऊपर वाले का एवरेज निकाल लिया तो ये हमारे पास आ गया 7, ये 21 डिवाइड बाय 2 इंटू 20। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ फ्रेंड्स गड़बड़ हो गई, देखिए ये 20 नहीं यहाँ पर आना था, ये क्या था, 1 + 2 + 3 सोन, हमने 20 तक सम करना था। ठीक है जी, और हमने जो इसका मेथड देखा था कि इसका अगर एवरेज निकालना हो, फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 20 है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो हमने सिर्फ इतना ही लेना है। ठीक है जी, तो ये कितना आया था हमारे पास, ये यहाँ पर आया था 7, तो हमने कॉमन निकाला था, ये 1 + 20, ये आ गया था 21 डिवाइड बाय 2, तो ये 147 ऊपर मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये आ गया 7 से कट गया 3 से, और 73.5। हमने क्या करा, सभी मल्टीपल 7 में है, हमने 7 कॉमन निकाल लिया, तो टोटल नंबर कितने हैं, 20 तक उनका एवरेज निकालना है, 1 + 2 सभी करते टोटल वैल्यू 20 तक जाएगी। तो इसका मैंने आपको इजी मेथड ऊपर बताया है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर दें तो इसका सभी का एवरेज निकल आता है। तो हमने करा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो उसको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास ये आंसर आ गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंजेक्टिव नंबर ए बी सी डी ई इज 48, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई। पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सपोज मैंने 3 नंबर है 1 + 2 + 3। ठीक है जी, जब कंजेक्टिव नंबर होते हैं, कंजेक्टिव नंबर का मतलब होता है कि बीच में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कंजेक्टिव नंबर, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये कंजेक्टिव नंबर है जो लड़ीवार चलते रहते हैं। अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ 3 से तो ये आता है 2, हमने देखा था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था, हमने देखा ये 2 वैल्यू जो है इसकी मिडिल की है। ये याद रखना मेरे फ्रेंड्स, जब भी कंजेक्टिव नंबर होते हैं जैसे 90, 91, 92, इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो मिडिल वैल्यू निकलती है। एक और एग्जांपल के बताता हूँ, जैसे सपोज 1 + 2 + 3 + 4, अब 4 वैल्यूज हैं कंजेक्टिवली है, अगर 1, 2, 3, 4 तो इसका कैसे एवरेज निकालना होता है, इसका एवरेज निकालना होता है जो मिडिल वाली 2 वैल्यूज होती हैं, 2 इधर से दो, 2 इधर से निकल गई, तो ये जो 2 वैल्यूज हैं इसका सम करके 2 + 3 डिवाइड बाई 2 कर देना होता है, तो वो आ जाए 2.5। या फर्स्ट एक और मेथड बताया था आपको मैंने, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कर दो, तो तब भी फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कर गए तब भी वो 2.5 आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर वो कह रहा है कि 5 जो कंजेक्टिव नंबर है उनका सम ए बी सी डी ई का 48 है, तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, टोटल वैल्यूज है 5। अगर कंजेक्टिव नंबर होते हैं तो मिडिल वाली वैल्यू ही उसका एवरेज होती है, अगर वो ऑड वैल्यू हो, और जैसे ये 3 वैल्यू थी, 3 ऑड वैल्यू है, तो इसका मिडिल ही एवरेज होता है। अगर ये 5 ऑड वैल्यू है तो 2 वैल्यू यहाँ रही होगी, तो 2 वैल्यू यहाँ रहेगी, ये 48 जो है इसका मिडिल का है। ये जो क्वेश्चन है एसबीआई क्लरिकल में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है जी, द एवरेज ऑफ 5 कंजेक्टिव नंबर उस ए बी सी डी ई इज 48, इट मीन्स जो मिडिल वाला नंबर होएगा इनका कंजेक्टिव नंबर में वही एवरेज होता है। तो नेक्स्ट वाले नंबर कौन से होंगे, क्योंकि कंजेक्टिवली है 49, 50, तो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन ये होगा 47 और ये 46। ये क्या है, ये ए नंबर है, बी है, सी है, डी है और ई है। वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई बताइए, ए कितना है 46, ई कितना है 50, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 30, 3, तो ये हमारे पास निकल के आता है आंसर 2300। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी आसान था,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए वो कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 39 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। जो एवरेज निकालते हैं 39 स्टूडेंट का वो निकलती है 15 साल। इफ़ एज ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड देन एवरेज इंक्रीज बाई 3 मंथ। अगर हम टीचर की भी एज बीच में इंक्लूड करते हैं तो टोटल एवरेज में 3 मंथ का इजाफा हो जाता है, मतलब बढ़ जाती है। इसमें आपको फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ। सपोज ये एक क्लास है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर दो स्टूडेंट हैं, ठीक है जी, दो स्टूडेंट हैं, एक के पास एक टॉफी है और एक के पास दो टॉफीज हैं। मैंने क्या बोला, एक क्लास है, एक एक पर्सन के साथ दो बंदे बैठे हुए हैं, दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक के पास एक टॉफी है और दूसरे के पास दो टॉफीज हैं। एक बंदा यहाँ पर एंटर करता है, ठीक है जी। देखिए वो कहता है कि जब दो स्टूडेंट थे, इनकी अगर एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालोगे 1 + 2 / 2 करोगे तो डेढ़ आती है। वो कहता है कि एक बंदा जब इसमें एंटर करता है इस क्लास में तो एवरेज जो है वो आधा बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि पहले एवरेज डेढ़ थी, 1 + 2 / 2 करा तो डेढ़ आ गया, अब आधा बढ़ जाती है, मतलब 0.5 बढ़ जाती है, तो एवरेज 2 रह जाती है। इट मीन्स जो थर्ड पर्सन है वो जब एंटर हुआ, उन्होंने तीनों स्टूडेंट के पास टोटल टॉफीज कितनी रहनी चाहिए, दो दो दो, फर्स्ट के पास तो 1 थी, यहाँ 2 के पास 2 थी। अब जो थर्ड पर्सन जहाँ पर आएगा वो इतनी टॉफीज तो लेके आएगा कि सभी के पास 2 2 हो सके। देखिए एक टॉफी इसके पास भी चाहिए और दो टॉफियाँ इसके पास भी चाहिए, 2 ये 1 ये। जो थर्ड पर्सन आएगा वो 3 टॉफीज लेके आएगा। अगर वो 3 टॉफीज लेके आएगा तो फर्स्ट के पास 1 थी तो उसके पास 1 चली जाएगी, 2 रह जाएगी, तो जो 3 लेके आया उसके पास कितनी रहेगी, 2, तो सभी के पास 2 2 2 रह जाएगी, तो इससे एवरेज आधा बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, जैसे नॉर्मली हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं कि एवरेज होता है सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ आइटम्स। तो फ्रेंड्स इसमें सम ऑफ आइटम्स अगर मैं बोलूं वो क्या होएगा, सम ऑफ आइटम्स, ठीक है जी, ये नंबर ऑफ आइटम्स ए एवरेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है जी, सम ऑफ आइटम्स। अब देखिए एवरेज कितना है, 15, नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स हैं, 39। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 585। अगर वो कहता है एक टीचर, सपोज एज ऑफ द टीचर इंक्लूड करते हैं, मतलब पहले अब 39 स्टूडेंट थे, अब एक टीचर बढ़ गया, एक टीचर भी आ गया, तो टोटल कितने पर्सन हो गए वहाँ पर, 40। लेकिन उसके कारण जो एवरेज है वो भी कितनी बड़ी है, 3 मंथ्स। तो फ्रेंड्स 3 मंथ को कैसे लिखते हैं, 3 मंथ को ईयर में लिखेंगे 3/12, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, 1/4 बड़ा है। कैसे, 3 मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये 15 साल जो है ईयर्स में है, तो वो हो जाएगा 1/4 ईयर्स। तो 15 1/4 ईयर्स, इसको 15 60 और से 60 + 1 = 61/4 = 40। तो ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 610। अब वो कहता है कि बताइए एज ऑफ द टीचर कितनी है, पहले तो जब हमने देखा था तो यहाँ पर 585 थी, अब जो सम ऑफ एज है वो बन गई 610, तो कितने का इजाफा हुआ, 15 + 10, टोटल जो हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है वो 25 का इंक्रीज़ हुआ है। तो जो टीचर थी उसकी एज कितनी थी, टीचर की एज जो आई है, जो क्लास में आए हैं, तो उनका टीचर का एज था 25 ईयर्स। इसको और अच्छे एक और तरीके से बताता हूँ। जैसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 39 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, उनकी एवरेज थी 15। जब एक टीचर आया, वो क्लास में एंटर करा, तो 3 मंथ सभी की एज में एवरेज इंक्रीज है 3 मंथ। अब देखिए सभी की एज में 3 मंथ का इजाफा हुआ, टोटल स्टूडेंट थे 39 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 = 10 = 11, तो 111 मंथ, ठीक है जी, 117 मंथ तो उन्होंने इन 39 स्टूडेंट्स को दिए, क्योंकि 39 स्टूडेंट्स के पास 3 मंथ का इजाफा हुआ। और जो टीचर है उसके बाद भी 15 साल 3 मंथ खुद के पास भी बचे होंगे। इट मींस
15 साल, ये 3 मंथ उसके पास भी बचे होंगे, क्योंकि सभी का एवरेज 15 साल 3 मंथ रहना है ना, 3 मंथ्स रहना ना, तो ये तो 3 मंथ है, इसमें ऐड करूँगा तो ये हो गया 120 मंथ। अब 120 मंथ को अगर मैं ईयर से कन्वर्ट करूँगा तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करता तो ये 10 आता है, 10 साल ये बन गए और 15 ये, तो टोटल कितना एज हो गया टीचर का, 25। दोबारा से बता देता हूँ, टीचर जब क्लास में एंटर हुआ तो सभी की एज में 3 मंथ का इजाफा हुआ, टोटल स्टूडेंट है 39, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 117 मंथ, तो 3-3 करके उन्होंने सभी को 3-3 मंथ दिए टीचर ने, तो 117 मंथ तो वो हो गए, और खुद के लिए भी 15 साल और 3 मंथ्स खुद के लिए भी उनकी एवरेज सेम रहेगी, क्योंकि एवरेज का मतलब था सभी के पास सेम। तो ये जो 3 मंथ इसके पास था, हम अभी सभी को ऐड कर देते हैं, इससे सभी को ऐड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टीचर की एग्जैक्ट एज कितनी थी। ये जो 15 साल है, 3 मंथ यहाँ पर, 117 मंथ ये, तो 3 मंथ इसमें ऐड करें तो ये 120 मंथ हो गए, 120 मंथ को मैंने 12 से डिवाइड करा तो 10 साल बन गए, 10 साल ये हो गए, 15 साल ये हो गए, तो टोटल टीचर की एज कितनी होगी, 25 ईयर्स। तो फ्रेंड क्या फ्रेंड करते हैं आज का एवरेज का पार्ट 2। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, ठीक है जी, वो पूछ रहा है जैसे हमारे पास मैंने कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया रखा है, तो वो कहता है कि जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सपोज यहाँ पर 1, 2, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इनका एवरेज हमेशा मिडिल वाला होता है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि 7 जो कंसेक्यूटिव नंबर है उनका एवरेज 20 है, इट मीन्स मैं अगर यहाँ पर 7 वैल्यू लूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 3 इधर से निकल जाएगा, 3 इधर से निकल जाएगा, ये 20 जो मिडिल वाला है ये एवरेज है इसका, ठीक है जी। तो जो मिडिल वाला होता है वो एवरेज होता है, तो अब कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, 20 के बाद 21 ही होएगा, फिर 22 होएगा, फिर 23 होएगा, यहाँ पर 19 होएगा, यहाँ 18 होएगा, यहाँ 17 होएगा। वो पूछ रहा है लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 23। दोबारा से बता देता हूँ, जो भी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज होता है वो मिडिल वाली वैल्यू होती है, जैसे ये 7 नंबर थे तो उन्होंने 7 नंबर बोला था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 इधर से निकल गए, 3 इधर से, तो मिडिल वाला ही एवरेज होता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर में ऑर्डर वाइज चलता है, 20 के बाद 21 आएगा, 20 22 आएगा, 23 आएगा, 20 से यहाँ पर 17, 18, 19, 20, तो मिडिल वाला हमारे पास जो उसने पूछा है सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर इन सातों में से 27 है, सॉरी 23 है, तो 23 हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही सेम क्वेश्चन, जैसे एक और है क्वेश्चन, जैसे सपोज ए बी सी डी आर द 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, देखिए वहाँ पर 7 नंबर दे रखा था, यहाँ पर इवन नंबर है, इवन नंबर में मैंने आपको बता रखा था, जैसे सपोज 1, 2, 3, 4, तो इवन नंबर में क्या होता है कि 2 इधर से निकल जाए 2, लेकिन ये जो एवरेज होता है जो यहाँ पर 2 + 3 डिवाइड बाई 2 होता है, तो ये होता है ढाई, तो इसका एवरेज होता है ढाई, ठीक है जी। इवन नंबर में क्या है, जैसे इसका एवरेज है चारों नंबर का ढाई, तो जो इवन नंबर में कंसेक्यूटिव नंबर में जो मिडिल वाली दो वैल्यूज होती हैं उनका सम डिवाइड बाय 2 वो उसका एवरेज होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें एवरेज दे रखा है, वो कहता है कि ए बी सी डी आर द 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर रेस्पेक्टिवली, देयर एवरेज इज 65। सपोज यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो 65, जैसे ये मैंने ढाई लिखा तो यहाँ पर उसने 65 दे रखा है, और इवन नंबर है तो सारे इसके इसका मतलब इवन नंबर कैसे होंगे, यहाँ 66 होएगा, फिर 68 होएगा, 67 क्योंकि ऑड नंबर होता है, फिर 68 होएगा, 66 से कम 64, फिर 62, तो ये आप देखोगे इन दोनों को प्लस करोगे तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा। तो जब भी इवन नंबर हो वो एवरेज आपने यहाँ लिख के उसके इवन नंबर आगे लिख देने हैं और ऑर्डर वाइज इसको बनाना है, जैसे 62 इवन नंबर, उसके बाद 64 इवन नंबर आता है, फिर 66 आता है, फिर 68। और वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी, अब ए है ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए हो गया हमारे पास 62 और मल्टीप्लाई 68, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4216, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर है 4216। अब ये क्वेश्चन देखिए, एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट इज 75। देखिए एवरेज क्या होती है, सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स,
ठीक है जी। अगर जी सम ऑफ आइटम्स मैं इधर ही रहने दूं तो यहाँ सम ऑफ आइटम्स बराबर हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब होता है जैसे सपोज एक के पास एक टॉफी है, दूसरे के पास दो टॉफी है, तीसरे के पास तीन टॉफी है, तो सभी के पास टोटल तो छह टॉफीज है ना, तो वो जो टोटल हम निकालते हैं वो सम निकालते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर सम ऑफ द आइटम्स देखिए, वो कहता है कि मार्क्स जो है स्टूडेंट के चार सब्जेक्ट में 75 है, एवरेज जो है एवरेज 75 है, तो यहाँ पर देखिए एवरेज है 75, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर कितने हैं 4, तो ये मेरे पास सम ऑफ आइटम्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा सम आ जाएगा इनका 4 से ये करेंगे 300, ठीक है जी। अब वो कहता है इफ द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 80 मार्क्स इन द फिफ्थ सब्जेक्ट, जो ये तो हो गया चार सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है जी 300। अब जो फिफ्थ सब्जेक्ट था, फिफ्थ सब्जेक्ट उसमें उसने मार्क्स लिए 80, तो टोटल हमारे पास मार्क्स हो गए 380। ये कितने जनों के मार्क्स हैं, ये है 5 सब्जेक्ट के, तो वो पूछता है बताइए फिर न्यू एवरेज क्या होगी, 380 टोटल मार्क्स आ गए, टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए अभी 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से कर गए 5 से 7 जाएगा 35 और 6, तो हमारे पास 76 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करा हमने, सम निकाल लिया पहले चारों का, उसमें जो और मार्क्स आए हैं वो भी ऐड कर दिए, तो इससे हमें टोटल सम पता लग गया, तो ये टोटल सम पता लग गया डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट कर देंगे तो न्यू एवरेज निकल के आ जाएगी, ये हमारे पास न्यू एवरेज है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन देखिए, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15। अब देखिए सम क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है जी। एवरेज दे रखा उसने 15, टोटल कितने दे रखे हैं 30 स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास टोटल जो हमारे पास सम निकल के आता है 30 स्टूडेंट्स का, जब 30 स्टूडेंट की सभी की हमने एज ऐड करी तो 450 आता है। अब कहता है 6 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव एवरेज एज ऑफ 16 ईयर, इसमें से 6 स्टूडेंट्स जो है ऐसे हैं जिनकी एवरेज एज 16 है। अब 6 स्टूडेंट का सम निकाल लेते हैं, 6 स्टूडेंट का सम निकाल लेते हैं, तो 6 स्टूडेंट का सम क्या होगा, उसकी एवरेज उसने 16 दे रखी है, टोटल स्टूडेंट है 6, तो आ गया 96। अब पूछते हैं द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 24 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल 30 स्टूडेंट्स का सम था, ये 6 स्टूडेंट्स का सम था, तो 30 में से 6 स्टूडेंट्स का सम हम माइनस कर देते हैं, 450 माइनस 96 करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 10 से 6 गए 4 और 14 से 9 गए 5 और 3, 354 आया। अब 354 उस ये हमारे पास सम आया, लेकिन हमें निकालना क्या है एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, अब ये टोटल कितने स्टूडेंट्स का है सम, ये है जो सम है ये 24 स्टूडेंट्स का है, तो डिवाइड कैसे कर देंगे 24 से, जो क्या आ जाएगा एवरेज। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास देखिए 354, ये भी चीज़ आप सीखने वाली, ठीक है जी, इसको ध्यान से देखिए, कई लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं, जैसे एक के पे गया तो यहाँ 114 आ गया, तो यहाँ 4 पे गया यहाँ 96 18। अब देखिए ये क्या आया, यहाँ पर आया 18 डिवाइड बाय 24, ठीक है जी, ऐसे लिखते हैं हम इसको जो हम डिवीजन करते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर 14 रिमाइंडर डिवाइड बाय जिससे हम डिवाइजर है जो, अब इसको काट देंगे 6 से 3 गया 6 से 4 गया, ये हमारे पास आया 14 3/4। देखिए ये 3/4 जो है जो साल है, ठीक है जी, सॉरी 3/4 जो है ये ईयर्स हैं, हम इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, तो हमारे पास ये 3/4 जो निकल के आता है ये तो 14 ईयर्स हो गया, जो 3/4 होते हैं वो अगर वैसे भी देखा जाए एक साल का 3/4 कितना होता है, एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो उसका 3/4 कितना होता है, तो होते हैं 9 मंथ्स, तो हमारे पास आंसर जो निकल के आया वो 14 ईयर्स 9 मंथ्स निकल के आया। अब फ्रेंड ये क्वेश्चन देखिए, कहता है एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट इज 38। अब 50 स्टूडेंट का सम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि एवरेज दे रखा है तो हम सम निकालते हैं हमेशा, एवरेज 38 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं 50, तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई 40 4 19, टोटल आ गया हमारे पास सम 1900, टोटल नंबर कितने आ गए 1900। कहता इफ द नंबर 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब होता है कि आपने वो नंबर बीच में से निकाल दिए, कितने नंबर निकाले, दो जनों के नंबर निकाले, अगर मैं 45
प्लस 55 को करता हूँ तो ये 100 आता है। तो वो कहते हैं 1900 में से ये 100 नंबर निकाल दिए, ठीक है जी, दो नंबर निकाल दिए हमने, तो ये निकल के आता हमारे पास 1800। अब एक चीज यहां पर देखने वाली है कि यहां पर दो नंबर टोटल नंबर थे 50, 50 नंबरों में से हमने दो नंबर निकाल दिए तो हमारे पास बचे कितने 48 नंबर। ये जो 1800 हमारे पास आता है, ठीक है जी, ये 48 नंबर का आता है सम, तो हम 48 से ही डिवाइड करेंगे। 48 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पे गया, 1.36 0 7 पे और 0.5, ये हमारे पास आएगा 37.5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हमारे पास दो नंबर निकल गए थे 50 में से, तो हमारे पास टोटल नंबर आ गए थे 48। 48 का सम हमें दे रखा है, नंबर दे रखे हैं, तो हम इजीली एवरेज निकालते हैं, एवरेज सम ऑफ द आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये सम देखिए फ्रेंड, वो कहता है कि एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाय 2 मंथ। जो क्रिकेट के 11 प्लेयर्स हैं उनका जो एज में 2 मंथ का इजाफा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, व्हेन 2 ऑफ द देम एज्ड 18 इयर्स एंड 20 इयर्स आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू 2 नंबर। वो कहता कि उसमें से देखिए, जो समझने की बात है, दो प्लेयर्स हैं जिनकी एक की एज 18 साल थी और दूसरे की 20 साल थी, ये दोनों हमने रिप्लेस करें हैं, इनकी जगह पे कोई एक्स एंड वाई आया सपोज, ऐसा करने से हर की एज में 2 मंथ इंक्रीज हो गए, 2 मंथ इंक्रीज हो गए। अब फ्रेंड्स एक चीज सोचने की बात है, अगर ये दोनों जाते हैं तो जो नए दो प्लेयर्स आते हैं वो इतना तो लेके आएंगे, प्लस सभी प्लेयर्स में जो 2 मंथ इंक्रीज हुए हैं उन्हीं की वजह से हुए हैं, ठीक है जी, ये जो एक्स वाई आए हैं हमारे पास, इनकी वजह से सबको 2-2 मंथ मिले हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो नया प्लेयर है, ठीक है जी, अब देखिए पहले हम देख लेते हैं कि वो जो टोटल जो एज इंक्रीज हुई है, जो एज इंक्रीज हुई है वो देखते हैं पहले, एज कैसे इंक्रीज हुई है, एज जो इंक्रीज हुई है टोटल, ठीक है जी, उसकी उन दोनों के आने से टोटल जो इंक्रीज, देखिए वो जो ये जो 18 साल और 20 साल के दो गए, जो नए आएंगे 18 साल और 20 साल तो उनमें होएगा, लेकिन 2 मंथ कितने बंदों को, 11 प्लेयर को भी दे के जा रहे हैं, मतलब जो 11 प्लेयर्स हैं हर बंदे की एज में 2 मंथ का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी, 2 मंथ का इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने आपको एवरेज में बताया था फ्रेंड्स कि 1 2 3 तीन बंदों के पास, एक के पास एक ट्रॉफी है, एक के पास 2 ट्रॉफी है, एक के पास 3 ट्रॉफी है, तो मैं ये मानता हूँ, सपोज मैंने ये बोल दिया कि एक बंदा मान लीजिए यहाँ पर सपोज एक पर्सन और आ रहा है, जिस अगर आप 1 2 3 की एवरेज निकालोगे तो 2 आएगा। मैं कहता हूँ एक पर्सन और आ रहा है यहाँ पर, जिसके कारण सभी की एज की जो एवरेज है वो क्या हो जाती है, वो 3 हो जाती है। इट मीन्स कोई बंदा आएगा जो इसको 1 दे के जाएगा और इसके पास भी 3 हो जाएंगे, इसको 2 दे के जाएंगे इसके पास भी 3 हो जाएंगे, तो टोटल वो बंदा कितने लेके आ रहा है, वो बंदा अपने लिए तो 3 लेके आ रहा है, 2 + 3 इनके लिए आ रहा है, तो बंदा जो आ रहा है इसमें वो 6 लेके आ रहा है, 6 ट्रॉफीज लेके आ रहा है, क्योंकि 3 ट्रॉफी वो, क्योंकि एवरेज 3 रहनी चाहिए, तो 3 ट्रॉफी तो अपने पास रखेगा, 1 ट्रॉफी इसको देगा, 2 ट्रॉफी, तो एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर करना। तो ये जो बंदे दो गए हैं, जो दो नंबर इनके इनकी जगह पे 2 पर्सन आए हैं एक्स एंड वाई, वो इतने तो लेके आए हैं प्लस 2 मंथ, जिसके मतलब हर की एज में 2 मंथ का इंक्रीज हुआ है, टोटल प्लेयर 11 है, 2 मंथ का इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स अगर मैं इसको ऐड करूं 18, ये 30 हो गया, प्लस ये 22 मंथ हो गए, 22 मंथ में से अगर मैं देखूँ जो 12 मंथ है, ठीक है जी, 12 मंथ का एक ईयर बन जाता है, 12 मंथ का एक ईयर बन जाता है, 39 ईयर्स हो जाएंगे, तो बाकी बचे 10 मंथ, ठीक है जी, तो ये 39 मंथ एंड 10 मंथ्स टोटल जो एज इंक्रीज हुई है उन दोनों के आने से। अब पूछता क्या है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू प्लेयर्स। अब ये 39 जो ईयर्स एज 10 मंथ्स है, ये 2 दिन लेके आए हैं, तो डिवाइड कैसे कर देंगे, 2 से, तो इसका उन दोनों का वो पूछा है एवरेज ऑफ द 2 न्यू प्लेयर्स। तो देखिए जब मैं 19 को 2 से डिवाइड करूंगा तो एक तो आ जाएगा यहाँ पर 19 आ गया, जब 39 को 2 से करूंगा तो 19 आएगा तो 1 बच जाएगा,
तो एक साल यहाँ पर बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप 39 को दो से तकसीम करेंगे तो 19 दुना 38 होता है, तो एक साल यहाँ बच गया। तो 10 महीने यहाँ पर, एक साल 10 महीने मतलब 22 महीने। ठीक है जी, एक साल 10 महीने मतलब 22 महीने। अब उसको भी दो से डिवाइड करना है, तो 22 मंथ को दो से डिवाइड करोगे, ये तो 19 तो साल आ गए, 22 मंथ को दो से डिवाइड करोगे तो 11 मंथ आ गए। ठीक है जी, जो एवरेज एज आएगी, जो नए दो प्लेयर आ रहे हैं उनकी जो एवरेज एज है वो आ रही है 19 साल 11 महीने। हम जो देखेंगे बेसिक रेशियो, जैसे मैंने यहाँ बोला ए रेशियो बी इज इक्वल टू है 0.5। देखिए 0.5 का मतलब होता है 5/10, तो ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1:2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:2। सेकंड, अगर ए रेशियो बी हमारे पास है 0.66, तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखना जब पॉइंट के बाद कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसको लिखने का तरीका होता है, आपने उसी को फॉलो करना है। जो वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो रही है, जैसे 6 रिपीट हो रही है, तो 6 डिवाइड बाय आप क्या करोगे, 6 डिवाइड बाय आप करोगे 9। ठीक है जी, ये कट के आ जाएगा, 3 के 2 पे जाएगा 3 पे जाएगा, तो यहाँ हमारे पास रेशियो आती 2/3, इसको लिख सकते हैं 2:3। जैसे ऐसे सेम हमारे पास जैसे 0.33 है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, 3/9, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1/3, इसको लिख सकते हैं 1:3 हमारे पास। अब देखिए अगर आ जाए 4.55, तो 4 एज इट इज रहेगा, 5 ऊपर नीचे हमारे पास 9, ये लिखने का तरीका है। इसको आप करोगे 4×9=35, 41/9, तो 41 हमारे पास 9। ठीक है जी, अब ऐसे ही, अब जैसे क्लास में टोटल है जो स्टूडेंट्स 196 है, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो दे रखी है 0.33, इसको लिखने का तरीका क्या है, 3 हमने जो रिपीट हो रहा है बार बार, और नीचे लिखेंगे 9, तो रेशियो क्या बनी, 1:3, इसको लिखते हैं 1:3। अब बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो है 1:3, ये बॉयज़ है और ये हमारे पास गर्ल्स हैं। अगर मैंने बॉयज़ की निकालनी है तो फ्रेंड्स क्या करूँगा, ये जो 1 है बॉयज़ का ये ऊपर रहेगा, नीचे दोनों का सम 1+3 मल्टीप्लाई टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 196। तो इसको सॉल्व करेंगे, 196 से 4×16 और 4×9=36, ये आ जाएगा हमारे पास 49। अब सपोज मैंने गर्ल्स पता करनी हो, तो गर्ल्स के लिए देखिए, गर्ल्स के लिए ऊपर कितनी वैल्यू है, 3, तो दोनों का सम एज इट इज़ नीचे आएगा, 1+3 का मल्टीप्लाई टोटल, तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 × 196, 4 से जाएगा ये 49 आ जाएगा, 3×9=27, ये हमारे पास 147 आ गया। क्या करा हमने, जब गर्ल्स का पता करना है तो गर्ल्स ऊपर आएगा, जब बॉयज़ का पता करना है तो बॉयज़ ऊपर आएगा, नीचे हमेशा दोनों का सम आएगा। अब ऐसे ही जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो इज इक्वल टू 1:2, 1/2, 1/3 एंड 1/4। एक चीज़ हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, कभी भी रेशो फ्रैक्शन में नहीं होती, जब भी फ्रैक्शन में हो हमने सबसे पहले उसको सिंपलर फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि यहाँ पर रेशियो है 1:2, 1/3, 1/4, हम क्या करेंगे, कभी भी मैथमेटिक्स में कभी भी कहीं भी आपको फ्रैक्शन नज़र आती है, सबसे पहले जो नीचे वाली वैल्यूज होती है उसका आपने एलसीएम लेना है। आप जब इसका एलसीएम लोगे तो इतना आ जाएगा, 2×3=6 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे सॉरी दो से कट जाएगा, एलसीएम आएगा 2×3=12 एलसीएम आएगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसको 12 से जो एलसीएम आएगा 2×3=2, हमारे पास 12 एलसीएम आया, तो 1/2 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमारा जो रेशियो है वो फ्रैक्शन हट जाता है उसमें से, तो हमारे पास कितना गया, 6:4:3, और यही उसने पूछा है, A:B:C बताइए, तो हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही मैं सेम एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसने दे रखा है 1/2 1/3 1/4 1/5। अगेन हमें पता लगाना है
ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल के आता है 2 × 3 = 6 × 2 = 12 × 5 = 60। तो 60 हमारे पास आएगा। मैं क्या करूँगा, 1/2 को भी 60 से मल्टीप्लाई, 1/3 को भी 60 से मल्टीप्लाई, 1/4 को भी 60 से मल्टीप्लाई और 1/5 को भी 60 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स दो तीय यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 12। तो हमारे पास जो निकल के आता है 30:20, उसको यहाँ 15 और यहाँ 12। तो ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी रेशो हमारे पास क्या आता है, 30:20:15:12। ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द नंबर 4, 5, 5 इन द रेशो 4:3। वो कहता है कि हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 455 है, तो इसको आपने 4:3 में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, मैं मान के चलता हूँ, मान लीजिए टोटल टॉफी है 455। अब पहले ये फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ, ये सेकंड नंबर। जब मैंने फर्स्ट नंबर पता करना है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, 4 ऊपर जाएगा, डिवाइड क्या होगा, दोनों का सम मल्टीप्लाई टोटल। तो ये हमारे पास आता है ये निकल के, जो 7 पे चल जाएगा, 7 × 6 = 42, 3 × 7 = 5 = 35। ठीक है जी, 65 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 260 हमारे पास आंसर आ गया। अगर मैंने सेकंड नंबर पता करना है तो क्या करूँगा, सेकंड वाली वैल्यू लूँगा। सेकंड वाली वैल्यू क्या है रेशियो में, 3। तो नीचे तो हमेशा दोनों का सम ही आएगा, अगर 3 है तो तीनों का सम आएगा, मल्टीप्लाई टोटल से करेंगे अगर दे रखा हो क्वेश्चन में। तो हमारे पास अगेन ये कटिंग हो जाएगी 65 पे और 3, 5, 15, 1, तो 195 हमारे पास इसका आंसर आएगा। कैसे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मैंने निकाल के बताया आपको। अब देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, अगर 62 रुपीज इज डिवाइडेड इन 3 पर्सन ए बी सी, 3 पर्सन है ए बी सी, उसमें जो रेशियो में बांट रहा है वो 1/2, 1/3 और 1/5 की रेशियो में उनमें मान लीजिए पैसा बांट रहा है, वो कितना, बताइए जी टोटल नंबर जो सी ने रिसीव करा है वो कितना होएगा। ये हमें क्वेश्चन में उसने पूछा है। सबसे पहले रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, उसको पहले ख़त्म किया जाए। तो कैसे करते हैं हम रेशियो फ्रैक्शन में ख़त्म, एलसीएम लेकर। तो तीनों का सेम 2 × 3 = 6 जी, हमारे पास 30 एलसीएम आ गया, तो मैं क्या करूँगा, सभी को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 10 आ गया और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास ए रेशो, बी रेशो, सी। अब वो पूछ रहा है, बताइए कि सी के पास कितना नंबर रिसीव हुआ। तो सी वाली वैल्यू को ही कौन सी हुई, 6। तो सी का हमने पता करना है, 6 ऊपर जाएगा, नीचे सभी का सम होएगा, मल्टीप्लाई टोटल कितने रुपीज है हमारे पास, 62। ये नीचे जब इसको सम करेंगे तो जो आ गया 15, 25, 31 आ गया, मल्टीप्लाई 62, ये 2 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 12। ठीक है जी, अभी उसने सी का पूछा है तो हमने सी का निकाल दिया। अगर ए का पूछता तो ऊपर ए की वैल्यू आ जाती, बाकी सारा सम सेम होता। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर उसने पूछा इफ 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। पहले देखिए, परसेंट का मतलब होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर 30% मतलब 30/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 25। देखिए जी, पॉइंट का जो होएगा नीचे 100 अलग से होएगा, परसेंट का 100 अलग से होएगा, मल्टीप्लाई बी, यहाँ 1/5 ऑफ सी। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, ये कटिंग करके हमारे पास 3/ ये आ गया, ये 25 को 4 पे चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स यह क्वेश्चन में यह परसेंट नहीं था, तो मैं ये हमारे पास 1/100 नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए। तो यहाँ था ये 25 से यहाँ 1/4 इंटू बी रह गया और यहाँ 1/5 सी रह गया। अब फ्रेंड्स ये सारी वैल्यू बराबर है और यहाँ पर हमने निकालना क्या है, ए बी सी।
तो ए ये अगर सभी वैल्यू बराबर है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सभी वैल्यू बराबर है के की, तो मैं ए की वैल्यू निकालूंगा। ए क्या हो जाएगा, जब 3/10 a बराबर के है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 10k/3। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालूंगा 4k आएगी, ऐसे ही सी की वैल्यू निकालूंगा तो 5k आ जाएगी। तो ये हमारे पास निकल के आती है 10k/3 ratio 4k ratio 5k। के तीनों में कॉमन है वो तो हमारे पास यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में कभी भी हो नहीं सकती तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 3 आ गया। तो 10 ये रेशो 4 3 12 और 3 5 15। तो ऐसा होता है कि जब भी हम ये यहाँ पर 3 है नीचे, ये इसको हम कंसिडर नहीं करते, तो हमारे सिर्फ रेशियो जो आती है 10 ratio 12 ratio 15। तो यही हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है इफ ए बी बराबर है ए बाय बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये 7/9 के है, और बी बाय सी ये हमारे पास 5/4 है। तो वो कहता है बताइए ए बी सी रेशो क्या होगी। जब भी फ्रेंड्स ऐसे दे रखा हो ए बटा बी, हम रेशो में ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर हो गया 7/9 बी बाई सी। अब दोनों में जब भी ऐसा हो, देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू 9 है और यहाँ पर जो बी बाई सी है यहाँ बी की वैल्यू 5 है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक जगह डिफरेंट वैल्यू दूसरी, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर कैसे किया जाता है फ्रेंड्स, दोबारा से बता देता हूँ। जब भी हमने फॉर्म लिखनी है नीचे यहाँ पर बी होना चाहिए, ऊपर बी होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये 9 है और ये 5 है, इसको मैं इक्वल टू करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा, ये जो 5 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये 9 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं 5 को नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 5 से ऊपर भी होएगा, अगर यहाँ पर 9 को ऊपर से कर रहा हूँ तो नीचे भी मेरे पास उसी से मल्टीप्लीकेशन होगी। इससे मेरी ए बाई बी वैल्यू आ गई, ये 7 35 हो गया, ये 45, ऐसे ही 45 और नीचे 36। देखिए अब बी और बी दोनों बराबर हो गए। अब उसने पूछा क्या, ए बी सी की रेशियो पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। तो ए बी सी, ए कितना है 35, बी कितना है 45 और सी कितना है 36। तो यही हमारे पास हमारा आंसर आ गया। हम कैसे बराबर करते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको बराबर करके। ऐसे सेम क्वेश्चन है, अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन में ए बी रेशो दे रखी है 2:3, बी सी 4:5, सी डी रेशो 6:7। जब भी 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, जैसे ए बी सी 3 वेरिएबल थे, यहाँ पर ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, जब से 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो ए बी बी सी सी डी चाहे डी ई चाहे 5 हो चाहे 6 हो, उसको करने का सबसे आसान जो मेथड है वो ये है। जितने वेरिएबल आपको दे रखे हैं वो एज इट इज आप ऊपर लिख लीजिए। ए बी रेशो जैसे यहाँ पर 2:3 है, ये जो स्पेस बचती है इसके साथ में जो वाला वेरिएबल है वो एज इट इज आपने यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पर 3 था, मैंने दोनों स्पेस पे 3 लिख दिया। जैसे बी सी दे रखा है 4:5, तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे 5, ये जो स्पेस खाली है इसके साथ कौन सा है 5, तो मैंने 5 लिख देना। ये जो स्पेस खाली है इसके साथ में कौन सा है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दूंगा। ऐसे ही सी रेशो डी, वो दे रखा है 6 7, तो यहाँ पर स्पेस खाली है लेकिन साथ में कौन है 6, तो दोनों जगह 6 आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये अलग में ये अलग में ये अलग में अलग में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होएगा। ये 2:2 4 6 मल्टीप्लाई, 3 को 4 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ होएगा 3 5 और 6, यहाँ 3 5 और 7, जो सभी में कॉमन है वो आप यहाँ पर उसकी कटिंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर आपको कुछ कॉमन है तो मुझे 3 नज़र आ रहा है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है और 3 2 नीचे 3 इसमें भी था, और मुझे यहाँ पर कोई कॉमन नहीं नज़र आ रहा है। 2 चौके 8 2 16 यहाँ हो गया, 4 6 24, 5 6 30, 30 हो गया, और यहाँ पर 35। हमारे पास जो निकल के आई है रेशो, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो 16 24 30 35। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट सेकंड। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, जो हमारे पास सपोज मैंने अगर मैं कहूँ कि इफ ए रेशो बी बराबर है 1/2 1/3 और बी रेशो सी ये हमारे पास है 1/2 और 1/3, तो वो कह रहा है कि फाइंड ए रेशो बी रेशो सी।
तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हमने क्या करना है, ए बाई बी हमें दे रखा 1/2 और 1/3। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। यहाँ पर बी बाई सी है 1/2, 1/3। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 6 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3:2, यहाँ आ जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ पर भी जो एलसीएम है वो 6 है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों जगह 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर आएगा 3:2, ठीक है जी। ये आ गया बी बाई सी, ये आ गया ए बाई बी। अब देखिए ए बाई बी हमारे पास है 3/2 और बी बाई सी कितना है 3/2। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसको बराबर करने के क्या करते हैं कि ये जो बी है 2 है, ये बी 3 है। तो हमारे पास बी दोनों जगह हमने सेम करना होता है। हम क्या करते हैं, ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ऐसा करने से हमारे पास ये 9 आ जाएगा और ये 6, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 9 और ये हो गया 4। देखिए अब 3 6, यहाँ भी 6, ठीक है जी। ये 6 और 6 बी बराबर हो गया। अब हमारे पास यहाँ रेशियो क्या निकल के आती है, ए आती है 9, बी आती है 6 और सी आती है 4। और हमारा आंसर क्या होगा, 9:6:4, ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बाई बी देखा 2/3, बी बाई सी 4/7। वो कह रहा है फाइंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइड बाई सी स्केयर प्लस ए स्केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेम वैसे ही करेंगे, पहले जो वैल्यू कॉमन है उसको बराबर करेंगे। कॉमन दोनों में से है हमारे पास बी, तो मैं क्या करूँगा, 4 को इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, जो ऊपर करेगा वही मल्टीप्लाई किया नीचे, यहाँ नीचे 4 से तो ऊपर भी 4। तो ए हमारे पास 8 आ जाता है, बी 4 3 12 और सी हमारे पास आ जाता है 21। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखना फ्रेंड्स रेशियो में, जैसे यहाँ पर देखा है यहाँ पावर क्या 2, यहाँ भी 2 है, तो सम में बीच में पावर 2 ही रहती है। यहाँ पर भी पावर 2 और 2 सम 2 ही रहती है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इसको क्या करेंगे, सीधे ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 8 थी, 8 का स्केयर। बी की वैल्यू 12 का स्केयर, नीचे सी की वैल्यू 21 का स्केयर और ए की वैल्यू 8 का स्केयर। तो ये मेरे पास आ गया 64 प्लस 144, ये आ गया 441 प्लस 64। इसको सम करेंगे ये 8208 और ये आ गया 505। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 208/505, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, प्लीज़ इसे देखिए। देखिए यहाँ पर भी सेम हमें ए बाई बी दे रखा है 2/3 और बी बटा सी दे रखा है 4/7। पहले हम बी को बराबर करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 से, 3 का इधर 4 का इधर, नीचे 4 किया तो ऊपर भी 4, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3। तो यहाँ पर ए बाई बी ये आ जाता है 4 8 12 और यहाँ पर भी बी देखिए बराबर हो गया और 21 आ गया। अब फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। वो चीज़ है कि यहाँ पर देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, अगर देखा जाए बीच में सम है तो मैक्सिमम जो पावर है ऊपर वो है 2, ठीक है जी। नीचे देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो ये क्या हो गया, नीचे पावर कितनी है, नीचे है 3। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ तब भी मेरा आंसर नहीं आएगा। कैसे, नॉर्मली क्या होता है, ये ए का होता है ये 8x² होता है, ठीक है जी। बी होता है 12x² और सी होएगा 21x², नीचे क्या आएगा 8x 2 into 8x 12x into 21x। यहाँ देखिए आपकी x की पावर, x की पावर, x की पावर कॉमन निकाल लूँगा तो ऊपर मेरे पास 64 144 प्लस 441 स्केयरिंग करी, नीचे x की क्यूब लगा जाएगा
और 2 × 8 × 12 × 21 लगा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की पावर कट गई तो एक x बच गया, तो हमारा पूरा पूरा कटना चाहिए जब भी ऊपर नीचे ऐसे वैल्यू रेज कर, लेकिन यहाँ पर एक x बच गया, तो इसको हम क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डेट आर माइंड। जब भी ऊपर नीचे पावर इक्वल ना हो, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तभी वो क्वेश्चन का आंसर हो जाए ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है जी, अगर ऊपर पावर 3 चल रही है तो नीचे 4 है, तो वो फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, उसमें हमने कैन नॉट बी डिटरमाइंड बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा ए बाई बी 3/2, यहाँ दे रखा है सी बाई ए प्लस बी इजिकल टू 2/7। फ्रेंड्स यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है जी। यहाँ ए प्लस बी दोनों की वैल्यू 7 है, दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ अगर मैं ए प्लस बी देखूँ, 3 + 2 कितना होता है 5, यहाँ पर ए प्लस बी कितना है 7 दे रखा है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। बराबर कैसे करूँगा, ये जो 7 की मल्टीप्लीकेशन है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 का जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे, और यहां पर 2/7 था, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे। तो ऐसा करने से हमारी रेशियो बराबर हो जाती है। अब देखिए 21 आ गया, यहां 14, अब यहां पर हमारे पास 10 ऊपर और 35। अब देखिए यहां पर ए प्लस बी 15, 14 + 21 करेंगे तो 35 होगा, यहां पर भी 35 है, ठीक है, हमारी रेशियो बराबर हो गई। अब ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की 21 है, बी की 14 है और सी की 10 है, और हमारा आंसर क्या आ गया, 21:14:10। अब फ्रेंड्स मान लीजिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 8/b = 2/3 और c/a+b है 4/6। अब यहाँ पर देखिए सेम वैसे क्वेश्चन, a प्लस बी कितना है, 2 + 3 कितना हुआ 5, यहाँ पर a प्लस बी कितना है 6, यहाँ 5 है यहाँ पर 6 है, क्या करेंगे बराबर करने के लिए, जो इधर हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, यहाँ 6 से, और यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन 5 से ऊपर नीचे, तो यहाँ पर a बाई बी आ गया 12/18, यहाँ c बाई ए प्लस बी आ गया 20 और 30, ठीक है जी। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 12, b की है 18 और c की है 20, तो इसको क्या लिखेंगे, 12:18:20, ठीक है जी। ये इसको कटिंग हो जाएगी, 2 पे चल जाएगा ये 2, 6, 9 और 10, ये हमारे पास रेशियो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बाई बी दिया 7/4 और सी बाई ए माइनस बी देखा 5, यहाँ पर ए माइनस बी कितना है, यहाँ पर ए माइनस बी 5 है, यहाँ अगर ए माइनस बी देखो तो 7 - 4 = 3 है, 3 के यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, फिर उसको बराबर करूँगा, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ऐसा करने से यहाँ पर मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा करने से मेरे पास ये आ गया और ये हमारे पास, अब ए बी सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ए आया हमारे पास, ए आया 35, बी आया 20 और सी आया 6, ठीक है जी। और हमारा आंसर क्या आया, 35:20:6, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए ए बाय ए प्लस बी प्लस सी हमें दिखा 2/9, यहां पर बी बाय ए प्लस सी बराबर दिखा 4/7। यहां पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है दोनों में, तो यहां पर उसकी वैल्यू है 9, तो यहां पर ए प्लस सी तो नीचे हो गया प्लस बी ऊपर हो गया, तो दोनों को हम जब जमा करते हैं तो 7 × 4 = 11, 7 × 4 = 11 आता है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ए प्लस बी को इधर लिख लेता हूँ, सी तो 11 आता है। तो फ्रेंड्स अगेन क्या करेंगे,
इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको बराबर करने के लिए, ठीक है जी। ये आ गया इधर 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमारे पास ऊपर नीच 9 से मल्टीप्लाई। तो a बाय ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास यहाँ आता है 22 और 99, और यहाँ पर b बाय ए प्लस सी आता है 36 और 63, ठीक है जी। यहाँ पर ठीक है जी, a प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 22 है, b की वैल्यू 36 है। अब c की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 99 है। अब a कितना है 22, 36 है b, प्लस सी इज इक्वल टू 99, और c हो जाएगा 99 माइनस 22 माइनस 36 भी हो जाएगा। तो ऐसा करने से मेरे पास c की वैल्यू आती है 41, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी पावर सेम है 2 की है और नीचे भी पावर 2 की है। तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर ए स्केयर बी स्केयर, हमने क्या पता करना था, ए स्केयर बी स्केयर डिवाइड बाय सी स्केयर। तो ए की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 22 का स्केयर, बी की दे रखी है 36 का स्केयर, और नीचे सी की दे रखी है 41 का स्केयर। तो ये है मेरे पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11780 ऊपर आ जाएगा और 16081 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास क्या होता है कि जो ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो हमने हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। ठीक है, गेन इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ऐसे लॉस सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये गेन और लॉस निकालने का फॉर्मूला था, ये गेन परसेंटेज लॉस परसेंटेज। ठीक है, ऐसे ही जो सेलिंग प्राइस निकालना हो, जो सेलिंग प्राइस निकालने के दो फार्मूले होते हैं, जब एक गेन परसेंटेज दिया हो और एक हमें क्या दिया हो, लॉस परसेंटेज। ठीक है, ऐसे ही जो सीपी के है, देखो अगर हम इन फार्मूलों को यूज करके सम निकालने लगे तो हमारे 3-4 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो हम इन फार्मूलों को नहीं यूज करेंगे, हम आज एक नई ट्रिक के साथ इनको सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा ना परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है, कह रहा है कि फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1260 एट प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ठीक है, हमने इन सभी सम्स को सॉल्व करते हुए किस पे फोकस करना है, जो परसेंटेज में ये चीज दी हुई है, चाहे ये प्रॉफिट हो या फिर ये लॉस हो। ठीक है, इस पे फोकस रखना है। देखिए उसने क्या बोला है कि प्रॉफिट कितना है, 12.5%। इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी 1/8। ठीक है, ये तो मुझे याद है, मैं आपको चलो बना के दिखा देता हूं। देखो परसेंटेज का कितना होता है, 1/100। ये 25 के टेबल पे कट जाएगा 5 और 4, 5 के टेबल पे कट जाएगा 2, तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/8। ठीक है, अब देखिए उसने ये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे ऊपर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पी बाय सी पी, अब हमारा क्या बन गया, 1/8। ठीक है, ये चीज एंड अच्छे से जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए अगर उसका सी पी 8 है तो प्रॉफिट 1 है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हमारे अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए उसने हमसे पूछा क्या है कि सीपी फाइंड कीजिए, तो सीपी फाइंड करने के लिए पहले हमारे अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना है, 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है, 1260। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है। ठीक है, आप इसे कट कर लीजिए, ये 14 के टेबल पे कट जाएगा। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 1120। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। अब देख आप इसको फॉर्मूलों के साथ भी चेक करके देख लेना, जैसे उसने सीपी पूछा हुआ है ना, तो प्रॉफिट, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा,
ठीक है, इसमें गेन परसेंटेज की वैल्यू, उसमें बहुत लेंथी प्रोसेस है वो सॉल्व करने का। इस मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो क्या है कि इफ सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि 12 आर्टिकल का सीपी 9 एसपी के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हम सीपी बाय एसपी बना लें तो ये कितना आ जाएगा, 9/12। ये 3 के टेबल पे कट जाएगा, 3/4, ठीक है। अब वही हम यूनिटरी मेथड से इसे चेक करते हैं। देखिए एसपी अगर हमारे अकॉर्डिंग 4 है, कॉस्ट प्राइस 3 है, अगर 3 है तो 4 है, 3 से 4 कैसे बना होगा, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस मीन उसे प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, ठीक है। तो अब हमने, अगर उसे प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली उसे गेन हुआ है, तो गेन कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी, यानी कि 1/3, सीपी हमारा कितना है 3 × 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ये मिलेगा तो ये सही, नहीं तो फिर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ऑप्शन इज सी, ठीक है। देखा कितना फास्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा कि इफ द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज दिस फाइंड द गेन परसेंटेज। देखो सीपी और एसपी की रेशियो दी हुई है 20:21, हमने गेन और गेन परसेंटेज फाइंड करना है। देखो 20 से 21 कब बना होगा, जब इसमें 1 ऐड होगा तो मतलब 1 का प्रॉफिट होगा, तो 1/20 करेंगे 100 पे तो ये कट के कितना आ जाएगा, सिंपल 5%, ठीक है, ए आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि आ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 16/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। ये ना आप थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना कि उसने जो प्रॉफिट बोला है ना वो किस पे बोला हुआ है, ठीक है। नॉर्मली अगर तो उसने ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया तो एवरी टाइम सीपी पे ही कैलकुलेट होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर जैसे इसने यहां लिख दिया ना ऑन एसपी, तो इसका मीनिंग अब देखिए क्या बना। पहले तो मैंने बोला ना कि आपने इसके ऊपर फोकस रखना है अपना, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 48/50/3 1/100, तो ये कट के आ जाएगा हमारे पास 1/6। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, P/SP, क्योंकि उसने ऊपर क्या बोला था, जो प्रॉफिट था वो एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ गया 6। अब देखिए प्रॉफिट अगर 1 है, सेलिंग प्राइस 6 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 5 ही रही होगी, हम सिंपल इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब वो हमसे ये चीज पूछ रहा है, प्रॉफिट कितना है 1, सीपी कितना है 5, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। तो आंसर इज ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल 450 अ मैन लॉसेस 25%, एट व्हाट प्राइस विल ही सेल इट इन ऑर्डर टू गेन 50%, ठीक है। वो कह रहा कि अगर एक आर्टिकल को 450 पे बेचने पर 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो अब उसको कितने पे बेचे कि उसको 150 का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इस सम को देखिए, अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो 2-3 बार वो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ही बड़े आसान यूनिटरी मेथड से सिखाता हूं। देखो क्या है, वो क्या कह रहा है कि लॉस हुआ 25% का, तो अब लॉस होने के बाद वो जो आर्टिकल था उसकी एक्चुअल में कितने परसेंट की वैल्यू रह गई, 75% की, ठीक है। 75 के लिए कितना दिया हुआ है, 450। अब उसने क्या, उसको सेल करना है कितने पे करना है, 50% पे। देखिए हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो जब 50% का गेन उसमें ऐड होगा तो वो कितना बन जाएगा, 150। और व्हाट प्राइस पूछा है, तो वो सीपी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा 2 बार, 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 900। ऑप्शन में ये कहां पर है, सी आंसर,
ठीक है। अब देखिए ये यूनिटरी मेथड से हार्डली 10 या 15 सेकंड में सॉल्व हो गया। ये मुझे समझाने में आपको थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन खुद करेंगे तो ये 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इस सब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ मैन बाय ऑरेंज 10 रुपए पर दर्जन, ठीक है, यानी कि वो 10 रुपए में 12 ऑरेंजेस खरीदता है और सेल करता है 12 रुपए में 10 ऑरेंजेस, ठीक है। तो उसका गेन और लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। जब भी ना ये रुपीज और डजन या कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, तो आप इसमें हमेशा क्या कीजिए, एक कंसेप्ट है कि रुपीज अपॉन गुड्स में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए बाय सीपी का क्या हो गया, हमारा रुपीज कितने हैं 10 और कितने उसने बाय किए ऑरेंजेस, डजन, डजन का मतलब 12, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग टाइम, वो 12 रुपए में 10 ऑरेंजेस बेचता है, ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है वो हमने निकालना है, ठीक है। अब इसको आप सीपी को एसपी से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 10/12, ये कितना आ जाएगा 10/12, 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/144 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, 44 का उसे क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो ये उसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, तो कितना हुआ 44%, डायरेक्ट आंसर हमारा सी आ गया, ठीक है। वैसे ये निकालने की भी नीड नहीं थी, यही से पता लग जाता है 100 की चीज 144 की बन गई तो इसका मतलब उसे 44% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली भी चीज समझ, ऐसा सम डेफिनेटली ना हर एग्जाम में आता है कि जब वो रुपीज और क्वांटिटी के बेस पे ऊपर पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी आर्टिकल इज 360 इफ द प्रॉफिट इज 20%, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि उसे पहले तो मैंने बोला ना इस पे फोकस कीजिए, ये डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहां पे प्रॉफिट कितना बोल रहा है वो 20% का, इसका मतलब 1/5, ठीक है। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे 1/5, ठीक है। अगर हमारे अकॉर्डिंग सीपी 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो ऑब्वियसली एसपी कितना होगा 6 का, तो यहां भी उसने क्या डिफरेंस दिया हुआ है उन दोनों में कितने का, 360 का, ठीक है, और हमने क्या निकालना है देन द एसपी, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मीनिंग क्या है कि इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है 5 और 6 में, 1 का ही है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। देखो 1 के लिए हमें क्या दिया हुआ है 360, वो किसका पूछ रहा है एसपी का, और एसपी हमारे अकॉर्डिंग कितना है 6, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 1 हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360 है, ये 6 सेलिंग प्राइस हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है। इसको सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1260, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अ डीलर सेल हिज गुड्स एट 20% डिस्काउंट बट यूज 40% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये प्रॉफिट लॉस में ना एक अलग टाइप आ गई है जिसको हम डिसऑनेस्ट पर्सन के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए वो क्या कह, देखो वेट का है ना, तो हम नॉर्मली 1 kg का जो वेट होता है वो उसमें क्या होता है कि 1000 ग्राम, ठीक। इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक तरफ वो डिस्काउंट दे रहा है इस पे 20% का, ठीक है, और 40% वो लेस वेट यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे 40 आएगा, ठीक है, तो इसका 40% लेस वेट होगा तो ये कितना रह जाएगा 600, यहां पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा 800। अब ये वाली जो चीज है ये हमारी क्या बन जाती है, सेलिंग प्राइस, और इधर जो आता है वो हमारा बन जाता है कॉस्ट प्राइस। अब इसके बाद तो आप खुद भी वैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास सीपी और एसपी आ जाए सिंपल हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है,
देखो ये सीपी है, ये एसपी है, ये 20 से 20 कट गई, ये 3 पे कट गया, ये 4 पे कट गया, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का, एक का कितने पे हो रहा है, 3 पे। जब 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 333%, ऑप्शन नंबर बी। ये डिसऑनेस्ट वाले भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि अ सेलर यूज 920 इन प्लेस ऑफ 1 kg, ठीक है, सेल्स गुड, ठीक है। तो और गेन उसको कितना हो रहा है, 15% का। तो देखिए 1 kg का वेट है, ग्राम का, वो 920 ही यूज कर रहा है, तो यही हमारा क्या बन जाता है, सीपी। अब वो 15% का इस पे गेन ले रहा है, तो 1000 का 15% का मतलब हो गया उस पे 115, तो कितना आ जाएगा ये चीज 1150। ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब मैंने जैसे आपको ऊपर बोला कि इनकी आप रेशियो बना दीजिए, ये सीपी रेशियो एसपी, यहां कितना आ जाएगा 920 रेशियो 1150। देखिए 0 से 0 करते हैं, ठीक है। अब सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो कितना बढ़ गया, 23, यानी कि उसको 23 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 92 और 100, ये कट जाएगा 4 टाइम, ये कट जाएगा हमारा 25 टाइम, ठीक है, 25 चौका 100, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारी आ जाएगी सी, ठीक है। तो चलिए बस अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि अब बुक बाय 500 एंड सोल्ड फॉर, फाइंड द लॉस परसेंटेज, ठीक है। देखिए बाय मींस उसका सीपी कितना है 500 का, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 400 का, ठीक है। देखिए मैं ना आपको ये दोनों मेथड से करके दिखा देता हूं, एक फॉर्मूला बेस्ड और रेशियो बेस्ड, आप खुद ही जज कर लेना किस में फास्ट हो। यहां से लॉस कितना हो रहा है 100 का, ठीक है। तो जब मैं लॉस परसेंटेज निकालूंगा तो क्या करूंगा, लॉस बाय सीपी इनटू 100, ये 20 से 20 कट गई, इससे ये कट गया 20, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 20%। अगर इसी को रेशियो मेथड से करना होता तो सीपी रेशियो एसपी, यहां पे कितना आ जाता 500 रेशियो 400, ये 20 से 20 कट गई, ठीक है। अब यहां पे उसे 5 से 4 हो रहा है, यानी कि -1, माइनस साइन क्या कर रहा है, शो उसको लॉस हो रहा है, तो कितने पे हो रहा है 5 पे इंटू 100, तो इसका मतलब भी क्या होता है 20%, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। NTU UGC नेट पेपर 1 की ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ 10 वीडियो के अंदर हम पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, यानी कि पेपर 1 के 10 यूनिट का सिलेबस सिर्फ 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकें।